वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मउदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट किम् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी भगवत कथा प्रेमी धामवासी वैष्णव चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है और हृदय से प्रणाम है आपकी भागवत कथा की प्रीति के लिए। भगवान श्री कृष्ण की कथा में अगर प्रेम हो जाए, लालसा हो जाए, तो ये जीवन की परिपूर्णता है, परम सिद्धि है। तो करुणा वरुणालय राधा कृष्ण अभिन्न तनु श्री कृष्ण चैतन्य की औदार्य भूमि श्रीधाम मायापुर में हम लोग भागवत सुधा सत्संग आस्वादन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और तिथि भी पंचमी बड़ी पावन है, योगानुयोग सिंह गुरु या बृहद मृदंग, ये जो शब्द जिनके नाम से जुड़ते हैं, ऐसे हमारे इस्कॉन फाउंडर आचार्य के
श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव तिथि है। देखो जब हम भगवान का चरित्र सुनते हैं ना, तो भगवान में प्रतीति होती है। प्रतीति का अर्थ है विश्वास। प्रतीति का हिंदी होता है विश्वास। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमें भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है, प्रतीति होती है। लेकिन जब हम भागवत का चरित्र सुनते हैं, भागवत मतलब जो भगवान का हो गया, अर्थात भक्त वैष्णव, किसी भक्त का चरित्र सुनते हैं तो भगवान में प्रीति होती है। भगवान का चरित्र सुनने से भगवान में प्रतीति होती है, लेकिन भक्त का चरित्र सुनने से भगवान में प्रीति होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत सारे पुराणों का सम्राट है, राजा है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान के नहीं, भागवत के चरित्र की महिमा है। ऐसे भगवत कथा कहो तो भक्त चरित्र अपने आप आता है, एक सिक्के की दो बाजू है। भक्त की कथा कहो तो कृष्ण कथा, जैसे कृष्ण का जन्म देवकी के उदय हृदय से हुआ, ऐसे कृष्ण कथा का जन्म भक्त कथा से होता है। कृष्ण कथोदयम भागवत जी में यह शब्द आया है। निमिषारण्य के ऋषि मुनि सूत जी के चरणों में प्रथम स्कंद में निवेदन करते हैं, संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। हे सूत जी, मैं परीक्षित का पावन चरित्र सुनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये पांडवों के चरित्र सुनने से कृष्ण चरित्र का जन्म होगा, ये जुड़ा हुआ है। तो भक्तों, प्रीति, भगवत चरणारविंद में प्रेम प्रीति प्राप्त करना, ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और जिसने भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त किया है, ऐसे प्रेमी भक्तों का चरित्र सुनना, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। तो प्राय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में आप लोग परिचित हैं, लेकिन मैं आज की भागवत कथा उस महाभागवत आचार्य भक्ति सिद्धांत महाराज जी के एक छोटी सी लीला से करना चाहूँगा। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नेमिषारण्य में गए, और इसीलिए क्योंकि भागवत का भी मूल स्थान नेमिषारण्य है, और आप लोग तो मायापुर वासी हो इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, सर्वानि तीर्थानि वसन्ति यत्र, मायापुर में तो सारे तीर्थ है, नेमिषारण्य भी है, गौरमंडल में आप लोग ले ही जाते हो। लेकिन पद्म पुराण में भगवान व्यास ने लिखा है कि नेमिषारण्य का पूर्व नाम गंगावर्त था, जैसे आनर्त द्वारिका का, ऐसे ही गंगावर्त। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो मनोमय चक्र ऋषियों के निवेदन से छोड़ा, और उसकी नैमी मतलब जो नौकीला भाग जहां शीर्ण हो गया, इसलिए नैमिष नाम पड़ा। नहीं तो उसका पूर्व नाम क्या था? गंगावर्त। क्योंकि गंगा जी की एक धारा गोमती, गंगा जी से अभिन्न एक नदी है गोमती, धेनुमती दूसरा नाम, उस क्षेत्र को आवृत की हुई है, जैसे मायापुर क्षेत्र को गंगा जी ने आवृत किया है। ये बड़ी बातें हैं कुछ जानने लायक। जैसे गिरिराज गोवर्धन, गर्ग संहिता में लिखा है कि उसका गोलोक वृंदावन में नाम शतश्रृंग था। गिरिराज जी जब द्रोण के यहां पर्वत के रूप में पृथ्वी पर आए, भगवान को लीला करनी थी, तो धाम पार्षद पहले प्रकट करते हैं, और राधा रानी ने कहा कि यत्र गोवर्धनम नास्ति, जहां गिरिराज नहीं है वहां हम नहीं जाएगी। तब ठाकुर जी ने कहा कि हे शतश्रृंग, आप भूतल पर जाओ। प्रभु बोले, गोलोक वृंदावन छुड़वा रहे हो हमसे? शतश्रृंग ने कहा, बोले नहीं, वृंदावन तो मैं पहले प्रकट कर चुका हूं, भौम वृंदावन प्रकट हो चुका है, मेरा धाम मेरे शरीर से अभिन्न है। हरे निवासो आत्मगुणे रमा क्रीडन भ्रू निप, भागवत जी में
नंद महोत्सव में ये श्लोक आया है। एनीवे, तो मैं ये निवेदन, शतश्रृंग, उसको 100 शिखर थे और बड़े रमणीय वृक्षों से, वृक्ष फल फूलों से, झरनों से, और जिसकी कंदराओं में दाऊ दादा के साथ गोविंद ग्वाल सखा संग लीला करते थे। तो नैमिष का गंगावर्त नाम, जो चक्र की नैमिष शीर्ण हुई तो नैमिष हुआ, और वो पूरा अरण्य जंगल था, इसलिए अरण्य। और उसमें भी एक अर्थ छुपा है, जैसे हम लोग गोविंद देव का प्रणाम मंत्र अभिधेय तत्व में बोलते हैं गौड़ीय वैष्णव, तो वृंदारण्यम शब्द है। उस जो श्लोक है क्या है, दिव्यम वृंदारण्यम कल्पद्रुमाद्यम श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रेष्टालिभि सेव्यमानो स्मरामि। अच्छा हुआ स्मरण कर रहा है इस श्लोक का, क्योंकि मंगलाचरण ही है और इसी गोविंद का हम विवाह कराने जा रहे हैं। और ये श्री गणेश है, उसके बाद तो लाइन है 16108 की, सब नहीं कराएंगे लेकिन एक। और सुखदेव जी ने भी इसी नाम से विवाह कराया, भगवान अपि गोविंद उपमेय रुचिरानन, भगवान गोविंद ने रुक्मणी से विवाह किया, ये शब्द है भागवत जी में। अभी हम आपको आवृत्ति कराएंगे तो समझ ही जाएंगे। तो भक्तों, कथा कहां से कहां चली जाती है, लेकिन अरण्यम, आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि गंगा जी है ना, उसके कई घाट होते हैं, लेकिन हम जब गंगा में स्नान करने जाते हैं तो कपड़े जिस घाट पर निकाल लेना हो ना, वही घाट पे आना पड़ता है। नहीं तो कपड़े निकाल के स्नान करने निकले बाहर दूसरे घाट से, तो वहां कपड़े ढूंढेंगे तो फिर चीरहरण लीला तो हुई नहीं। तो मैं उसी घाट पर लाता रहूंगा, कोई चिंता मत करिएगा, लेकिन डीप में ले जाना हमारा स्वभाव है, शब्दों के अर्थ में। नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, विचार ही तो करना है। हमारे नरसिंह मेहता ने तो कहा है कि हरि की लीला के चिंतन विचार यही हमारा धन है, हरिना विचारो मारे अडड़क नाणो, गुजराती में भजन है। नरसिंह मेहता को पूछा किसी ने कि ठाकुर जी आपके 52 टाइम्स काम करने आए थे, बोले आपके इतने काम गोविंद करता है, नौकरी करता है, आपकी सैलरी तो कुछ देते नहीं, बोला आप ही भीख मंगे हो, क्या सैलरी दोगे, तो फिर इतना काम क्यों, आपके पास कौन सी संपत्ति है, बोले उसका स्मरण मेरी संपत्ति है। और हम यहां क्यों बैठे हैं गंगा के तट पर, उसी गंगा जिन चरणों से निकले उन गोविंद का स्मरण करने बैठे, और ये स्मरण भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि गुरु कृपा से गोविंद ने हमारा स्मरण किया। क्योंकि हम और आप भगवान का स्मरण तभी कर सकते हैं जब वो हमारा स्मरण करे, उसने कुछ ना कुछ हम पर अनुग्रह किया है कि हम जीवन की इस कीमती क्षणों को साधु सन्निधि में श्रीमद् भागवत के शब्दों के विचार में निकाल रहे हैं। बहुत बड़ी धन निधि है ये अरण्य। अच्छा, दिव्यम वृंदावनम भी कह सकते थे, दिव्यम वृंदारण्यम कल्पद्रुमाद्य। तो अरण्य का रण माने झगड़ा, कलह, रण मैदान सुने होंगे, और अरण्य जहां झगड़ा नहीं है, मतलब ये ऐसा अरण्य है कि जिसमें पशु पक्षियों में भी हिंसक प्रवृत्ति नहीं है, नैसर्गिकी रति जहां पर है। चैतन्य महाप्रभु झारखंड से निकले तब ब्रह्मा जी द्वारा उच्चारित वही श्लोक का स्मरण किए थे, जब उन्होंने एक शेर को और बकरी को नचा दिया था, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17वें अध्याय में, महाप्रभु की वृंदावन यात्रा में। तो वृंदावन ऐसा धाम है जहां आपस में वैर नहीं है। हम कभी कभी कथाओं में कहते हैं कि भागवत वैरी के लिए नहीं है, जवैरी के लिए है। वैरी मत बनो, जवैरी बनो। जवैरी शब्द समझते हैं आप लोग, हीरो का जो व्यापार करते हैं, तो वैरी मत बनो, जवैरी। जवैरी मतलब जो डायमंड गोल्ड का बिजनेस करता है, उसको जौहरी कहते हैं आप लोग, आपकी भाषा में जौहरी होगा, उसको शुद्ध हमारे गुजरात भाषा में जवैरी कहते हैं। तो वैरी नहीं बनना, जवैरी बनना है। और ये भागवत के श्लोक ही असली मणि, असली रत्न है वैष्णवों के लिए।
विष्णुपुरी जी ने काशी से महाप्रभु के लिए मोतियों की माला मंगाई थी, तो उसने यही भागवत के श्लोकों की बुक बनाकर दे दी, बोले यही है मणि हार, मुक्ता हार पहन लो। तो जहां रण्य नहीं है, इससे एक संदेश है कि जब तक हम भक्त भी आपस में वैर जैर द्वेष रखेंगे ना, तब तक वृंदावन वास नहीं हो सकता, क्योंकि वृंदावन में द्वेष ईर्ष्या वैर को कहीं स्थान ही नहीं है। वहां तो रघुनाथ दास जहां जिस कुंड पर पानी पीते वहीं शेर आके पानी पीता है, और रघुनाथ दास उसको देखते हुए डरते भी नहीं है, उसको कहते और पीना है तो पी ले भैया, मैं मेरी माला करूं। और हम लोग माला करते एक चूहा निकल जाए हम लोग तांडव करते हैं, शेर आ जाए तो कहना ही क्या, और शेर आएगा तो अच्छा है, नहीं आए वही अच्छा है, नहीं तो बिना महाप्रसाद बोले ही नाश्ता करेगा हम लोगों का। अरण्य ऐसे ही आवर्त, ऐसे ही हम लोग यहां पर विचार कर रहे हैं शब्दों के ऊपर, कुछ कुछ बातें हैं, और मूल बात तो नैमिष, जहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए हैं अपने कई सन्यासी शिष्यों के साथ गए थे, पुरी महाराज सुना रहे थे उसकी प्रत्यक्ष जीवन की घटना है, उस समय वो साथ में थे। और आप लोग अगर कहीं गए हो नैमिषारण्य में, तो वहां पर एक बहुत सुंदर कुंड है जिसका नाम है चक्र तीर्थ, क्योंकि वो जो चक्र था उसकी जो नैमि जहां शीर्ण हो गई वहां बड़ा कुंड बन गया, 88,000 ऋषि जहां बैठे थे उसके बीच में एक कुंड था, उस कुंड का नाम आज भी वो कुंड है चक्र कुंड कहते, चक्र तीर्थ भी कहते जैसे पुरी में भी है। भक्तों उसी कुंड में, अब कुंड का जल पवित्र है और तीर्थ यात्रा में है महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ, और उसके गुरु महाराज के आदेश का वो भी पालन करते। गौर किशोर दास बाबा जी ने यही कहा था कि ये सब सिद्धांत ये सब शास्त्र सब छोड़ और प्रचार कर, क्योंकि सूर्य सिद्धांत की डायरी लेकर बैठे थे महाराज विमल प्रसाद जी, जो सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र विज्ञान, लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी ने नकार दिया, बोले क्या चक्कर में पड़ा है तू, ये ग्रह उधर उधर ग्रह, भगवान का अनुग्रह कैसे मिले वो सोच। उस बात को धारण कर लिया था महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और अब गौरवाणी प्रचारी ने यही करना था उसको गुरु महाराज के आदेश पर। बहुत बातें हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरित्र की, और गुरु महाराज के आदेश की आचार्य की एक विशेषता यह कि आदेश का अनादर करते हुए भी आचार्य है। तीन आदेश दिए थे गौर किशोर दास बाबा जी ने, पहला आदेश था शिष्य मत बनाना, शिष्यों की जड़ी लगा दी इसने तो, और कलकत्ता तो जाने को ही मना किया था, बोलो यहां से, बोला कोलकाता ना जाबे, अभी नहीं जाना चाहिए उधर, तो ऐसे भी झगड़ा हो रहा है अभी, मायापुरी ठीक है अभी तो वहां भी लड़ाई झड़ाई हो रहा है सब नागरिक, पता नहीं क्या बिल का चक्कर है हमारा गुजराती आदमी थोड़ा उंगली किया है तो चक्रा हो रहा है लेकिन ये सब जैसे अब इसको भी आप सही रूप में समझिए, गोष्ठीपूर्ण ने मना किया था कि इस मंत्र का उच्चारण मत करना, लेकिन गोपुर पे चढ़ के रामानुजाचार्य उच्चारण किए सबको सुनाया, गुरु आज्ञा का अनादर, लेकिन फिर भी बंद नहीं है, आप लोग ट्राई मत करना सुनो, नहीं तो सुबह सुबह का भजन समाप्त हो जाएगा, गुरु मुख पद्म वाक्य ये तो उल्टा चल रहा है यार तो। लेकिन ये उसकी क्षमता है क्योंकि वो जानते हैं वास्तविकता को, गुरु की ना में भी हाँ है और उसकी हाँ में भी ना है, ये जब गुरु के हृदय में हम बैठ जाते हैं ना तब समझ पाते। इसी तरह भक्त भी भगवान के हृदय में स्थान ले लेता है ना साधो, वो भक्त भगवान की हाँ में भी ना समझता है, ना में भी भगवान चाहते क्या है वो समझता है अंदर से। भगवान ने कहा इसी कुरुक्षेत्र के अंतिम क्षणों में कि ये आतताई है और ये मार इसको, लेकिन अर्जुन मारे नहीं, जो गीता में अभी भी बोले थे करिष्ये वचनम तव, लेकिन मारे नहीं क्योंकि जानते थे कि ये मारने को कह रहे हैं लेकिन चाहते नहीं है कि मैं मारूं। गोपियां जब आई रास मंडल में शरद पूर्णिमा, ठाकुर जी ने कहा स्वागतम तो किया लेकिन कहा ततो गृहान प्रति या ततो चली जाओ, एक भी गोपी गई नहीं, हम लोग होते तो रिटर्न टिकट लेके ही जाते,
पादो पदम न चलस्तव पाद मूलाद, क्योंकि जानते हैं कि ये भी तो रास होगा, ये भले ना बोल रहे लेकिन इसमें भी इसकी। और आपको ये भागवत के दृष्टांत थोड़े ऊपर लगते हो तो दैनिक जीवन में भी आप देखो, पति पत्नी या मित्र परिवार में हम देखते हैं, प्रसाद होता है वो मना करता है रसगुल्ला नहीं चाहिए, लेकिन वो भक्त जानता है कि इसकी ना में भी हाँ है। जानते हैं कि नहीं बताओ? हम लोग कहीं बाहर जाते तो दूसरे को बोलते मैं मना करूंगा, तू बोलना प्रभु जी को चाहिए, वो बोलता है, फिर हम कहते इनको भी दो, दोनों का काम एक दूसरे करते, ये शालीनता है, क्या करे। लेकिन वो साधक समझता है कि हाँ भले मना कर रहे हो लेकिन इसको भी चाहिए। साधु ना, साधु को समझना मुश्किल हो जाता है। क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे यहां भी लागू होता है। वो थाली उठा के शेर की तरह गर्जना करे तब तक समझो कि नहीं चाहिए, बाकी हे रहने दो तब अभी सही सच्चा है, बाकी ढीला ढीला हाँ बोले समझो एक दो दाल ही दो चाहिए इनको। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बहुत विशेषता है भक्तों, लेकिन आज हम उसकी छत्र छाया में है। धन्य है भक्ति विनोद, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जिनके यहाँ भक्ति सिद्धांत, और भक्ति सिद्धांत ने एक शिष्य किया भक्ति वेदांत, तीन ने तो पूरे विश्व को बदल डाला। भक्ति वेदांत है तो वही भक्ति का सिद्धांत है, और दोनों जहां है वहीं भक्ति का विनोद हो सकता है भाई। इसलिए देखो हमारे गौड़ी आचार्य कैलेंडर में भी मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने आचार्यों के आज तिथि आविर्भाव तिरुभाव, नरोत्तम दास ठाकुर, बड़े बड़े आचार्य के कम थोड़ी है, एक एक शेर के ऊपर सवा शेर है एक से बढ़ के एक, लेकिन उनके तिरुभाव आविर्भाव में भी 12 बजे तक उपवास नहीं होता, लेकिन इन तीनों में पक्का है, बताओ है ना। आप अपने कैलेंडर में भी सोचिए आप लोग, उनके उसमें नहीं लेकिन इनमें तिरुभाव आविर्भाव प्रसाद के लिए थोड़ा परहेज करो। भक्त लोग तो परहेज नहीं करते, तैयारी करते 12 बजे डबल। लेकिन ये वर्तमान युग आचार्यों की उपाधि से युक्त है, और उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुकंपा अनुग्रह को एक एक एकत्रित करके व्यवस्था दिया है समाज में। शुद्ध भक्ति का जो आचरण सिद्ध शुद्ध जो नित्य धाम वासी पार्षद को प्राप्त होता था, वो हम जैसे भूतल निवासी संसाराग्रस्त लोगों को व्यवस्थित रूप में इन आचार्यों ने दिया। कौन गृहस्थ की क्या बोल सके? भक्ति सिद्धांत जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति की केदारनाथ दत्त भगवती देवी ने, क्या इसकी गृहस्थी शोभायमान है ना भाई? ऐसा गृहस्थ जो एक पुत्र है जो हजारों सन्यासी बना दिया, तो गृहस्थी तो पूजनीय हो गई सबके लिए। इन लोगों की गृहते गोलोक भाई यहां है वो जाता है नहीं भाई। लेकिन मैं मुख्य बात बताते हुए कि भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे ही उस तीर्थ में उस कुंड में कि भाई ये दिव्य धाम भागवत जहां पर हुआ, 88,000 चरण रेणु जहां पर हुई है वहां मैं आज आया हूं, तो तीर्थों को प्रणाम करना, उसके कुंड का जल आचमन करना, सर पर लेना एक वैष्णवता है। और इसीलिए उस कुंड की जो सीढ़ी होती है 8-10 सीढ़ी नीचे जल था, और उसके नीचे भी 15-20 सीढ़ी जल भरा था, लेकिन जो 8-10 सीढ़ी खाली था। भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे ही प्रथम सीढ़ी से अपना चरण नीचे लिए तो कुछ शिष्य मंडली उसके साथ धाई तो पाछे पाछे, ये पहले पीछे पीछे चलते थे, अब लोग आगे आगे चल रहे हैं, गुरु जी के भी आगे चलते ये लोग, नहीं तो परंपरा तो पाछे पाछे की है, अनुगमन करने की है। ये चढ़े तो ये नीचे, अब जैसे ही दूसरा कदम नीचे रखा तो चक्र कुंड का वो नेमिशारण्य का पवित्र जल अपने आप ऊपर आने लगा अपने आप। और तीसरा चरण रखने से पहले वो कुंड 8 सीढ़ी ऊपर आ गया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों को पखाल दिया। तीर्थन कुर्वन्ति तीर्थानी स्व अंतस्थेन गदाभृता। भागवत जी में आया है भक्तों, भागवत जी तो भक्त की बड़ी महिमा गाता है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ फल भृता साधव। साधुओं का दर्शन ही इतना पवित्र करने वाला है, हमको नहीं तीर्थों को भी, और साधु अपने आप में तीर्थ है। दर्शनात
और ऐसे साधु का दर्शन मात्र से हमारे जन्म जन्म के पाप ताप को धो देता है, सद्य तुरंत दर्शन मात्र से। और काले न फलती तीर्थ, तीर्थ तो समय आने पर कृपा बाद में धोएगा, ये तो अब भी कर दिया। और इसी के कारण भागीरथी जी भगीरथ से कहती है कि पाप बहुत पड़ जाएंगे मेरे में जब मैं आऊंगी। तब गंगा जी को अवतरण कराते हुए भागवत जी वे नवम स्कंद नौवा अध्याय छठा श्लोक भगीरथ जी कहते हैं, नव नव छे, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावन। हे भगीरथी आप चिंता मत करो, भूतल पर आओ, मेरे पितरों का उद्धार करो। बोले सब मुझ में स्नान करेंगे, मैं पापी नहीं हो जाऊंगी, सारा पाप मुझ में आ जाएगा। भगीरथ जी ने कहा नहीं, अरे भाई कर्मी लोग आएंगे, संसारी लोग स्नान करेंगे, लेकिन साथ में वैष्णव साधु भी तो स्नान करेंगे। और ऐसे साधव जो सच्चे साधु है ब्रह्मिष्ठा लोक पावना, वे जब स्नान करेंगे, हरन्ति अंग संगाते अग, तुम्हारे पाप भी है भगवती अपने अंग स्पर्श से वो साधु हर लेंगे। इसलिए तुम चिंता मत करो। वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, गंगा हु वांछे हरिदासेरो मज्जोन। भगवती गंगा भी रोती है कि हरिदास मुझ में आके स्नान करे, मैं पावन हो जाऊं। जो हरिनाम लेता है वो तो क्षण क्षण करी तुम इस सर्वतीर्थ स्नान। तो भक्तों आज ऐसे आचार्य का भगवत धाम लीला में प्रवेश हुआ जो यहाँ पर भक्ति रस का खजाना खोल के गए हैं, और ऐसी पावन परंपरा चैतन्य महाप्रभु की देकर गए हैं, और ऐसे आचार्यों को हमने देखा नहीं, लेकिन उनकी वाणी का, उनके बताए हुए सिद्धांत शिक्षाओं का, उनके शिष्य प्रशिष्यों का संग सानिध्य हमें मिल रहा है, ये भी हमारा परम सौभाग्य है। और ऐसे आचार्यों से हम जुड़ जाते हैं ना, केवल ऐसे आचार्यों का हमें हो जाना है बस। भगवान को प्रसन्न करना ये हमारे परम धर्म भागवत धर्म है, लेकिन भगवान को जिसने प्रसन्न किया है ऐसे प्रेमी वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर लेना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो जाता है, सरल विधि यही है। तो आज के दिन हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक दूसरा बड़ा प्यारा नाम था श्री वार्ष भानवी दैत तनया, राधा रानी के प्रिय थे, श्री जी की कृपा के पात्र थे। रूपानुग विरोध रूप गोस्वामी के सिद्धांतों को स्थापित किया, और अब सिद्धांत द्वांत हारी ने बहुत विशेष विशेष कर्म इन साधु के है, लेकिन हम आज के दिन उनका पावन स्मरण भागवत की प्रारंभ में श्री गणेश के रूप में, क्योंकि भागवत भगवान तीन रस स्मरण, इन्हीं का तो स्मरण करना ही मंगलाचरण है, और इसी से हमारा वस्तु निर्देश या अभिष्ट प्राप्त होगा, आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए हम आज इसका पावन स्मरण करते हुए उनके चरणों में आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें वो शक्ति प्रदान करे कि हम भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ये परंपरा में पवित्र साधु वाद को प्राप्त हो, ऐसी सेवा और साधना करें। हमारे भागवत कथा का एकमात्र प्रयोजन, वैष्णव आप सब साधना करते ही हो, सेवा भी करते हो, लेकिन मैं एक सावधानी मैसेज देना चाहता हूँ कि इस कथा से हम सीखेंगे कि हमारी सेवा और हमारी साधना पूर्ववर्ती आचार्यों के साधुवाद के पात्र होनी चाहिए, वो प्रसन्न होने चाहिए, वो साधना हमें करनी है, वो सेवा हमें करनी है। और इसके लिए हमें न सिद्ध बनना है न प्रसिद्ध बनना है, हमें शुद्ध बनना है, क्योंकि जितने सिद्ध और प्रसिद्ध है ना आज जेल में है। क्या फायदा, इसलिए हमें शुद्ध बनना है। और इसीलिए सामान की चिंता ना करें और ना सम्मान की चिंता करें। एक साधक को अपने सामान की चिंता नहीं करनी चाहिए, थैला कहाँ रखा, धोती कहाँ सुखाई, और ना तो सम्मान की चिंता करनी चाहिए, कहाँ मुझे पूजा हार प्रतिष्ठा, मुझे कोई पूछ रहा है कि नहीं। हमें हमारी साधना की चिंता करनी। और अब देखो समय बीता जा रहा है, 5 बज गया, 5:15,
तो समय बीता जा रहा है, मतलब जीवन बीता जा रहा है। हमें सबसे ज्यादा चिंता समय की करनी है, जो एक एक क्षण जा रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, रूप गोस्वामी, एक भक्त हमेशा सावधान होता है कि मेरे जीवन का कोई भी क्षण हरि सेवा, हरि साधना, हरि नाम के बिना नहीं जाना चाहिए। और इसका आप रोज कैलकुलेशन करके देखोगे ना, तो 25-30% वैष्णव कृपा से साधना सेवा में जाता है, 75% तो अभी भी उसी आहार विहार निद्रा में हम लोगों का जा रहा है। इसीलिए सावधानी कि हमें समय की चिंता करनी, कि जो कृष्ण ने हमको ये अनमोल अनुपम उपहार दिया है वो है समय। और इसलिए मैं आप सबको थैंक्स कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने भगवान के लिए समय निकाला। लव मात्र साधु संघ की महिमा है, यहाँ तो लव नहीं, ये लव मात्र साधु संघ है ना, वो अंग्रेजी हो जाएगा, फिर भगवान में लव हो जाएगा। रुक्मणी का सुनते सुनते ही भगवान में प्रेम हो गया। जो संस्कृत शब्द है लव, समय की घड़ी की एक अल्प अवधि को लव कहते हैं। ऐसे सीता जी का बड़ा बेटा भी है, लव हुआ फिर कुश हुआ। लव कुश, लेकिन क्षण मात्र, अल्प समय अवधि भी अगर वैष्णव सन्निधि में, साधु सन्निधि में, सत्संग में जाती है तो ये सौभाग्य का वर्धन करती है। अर्थात क्या करती है, हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराती है, कृष्ण प्रीति के बीज रोपती है हमारे हृदय में। फिर रेगिस्तान जैसा बना हृदय, हमारा मधुबन वृंदावन हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी के चरणों में, राधा माधव के चरणों में, पंच तत्व के चरणों में यही प्रार्थना करो, हे प्रभु आपके प्रेमी भक्तों के संग में आपकी कीर्तन कथा की वर्षा होती रहे बस। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम वंदे गुरु श्री शरणारविंद। कोई वैष्णव गुरु हमारे जीवन में आए जो हमें कृष्ण कथा का वारी वर्षण, प्रेम वर्षण करता रहे। त्रिताप कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा हमारे जीवन में। और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ये किया है। तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस्कॉन मायापुर मैनेजमेंट कमेटी को कि मुझ जैसे अयोग्य अनधिकारी व्यक्ति को भी कुछ भागवत वाक् पुष्पांजलि वैष्णव चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य दिया। और इसके निमित्त बने पद्मनेत्र प्रभु का फोन आया श्रीमान, और हमारे पूर्व सखा मित्र मंडली तो थी, सुमधुर प्रभु, इष्टदेव प्रभु, बोलते रहते हैं, ऐसे हम टालते भी थोड़ा रहते कि कोई और भक्त करे तो अच्छा है ताकि आप लोगों को और भागवत रस आनंद मिले, नहीं तो हम तो समय खराब करेंगे ही आपका। लेकिन इन लोगों का अनुग्रह था और आग्रह भी था, तो वैष्णव आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मैं एक ही बात से यह आता हूँ कि चलो उसी बहाने 6-7 दिन गंगा के संग में प्रेम धाम औदार्य भूमि, जहाँ संकीर्तन रस बरसा है गौरांग के पार्षदों का, सांग पांगास्त्र पार्षदम का, उस भूमि में रहकर भगवान के चरणों में बैठने का, वैष्णव दर्शन का लाभ तो मिलेगा। मेरा तो काम बन गया, आपकी आप जानो। मैं तो अपने लाभ के लिए आया कि हमारा लोभ तो पूरा हो रहा है, आपका कितना सर दुखता है आप जानो। ये हम तो छूटे, लेकिन हमारा काम बन रहा है कि चलो, ऐसे योग्यता है नहीं, लेकिन किछु नहीं पाई तुमार करुणा सार। इनकी करुणा है कि हमारा मन वाणी कर्ण शरीर भगवान की सेवा में लगता है। ये अनुग्रह है गुरुजनों का, और इसी का हमें आनंद है। और मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ और ऋणी रहूँगा इन कमिटियों का कि हमें, हम जैसे अधमों को भी भागवत की सेवा में ये लोग लगाते हैं। और आप सब धामवासी, क्या कहूँ मैं, धामवासी जने प्रणति करिया मागी बो कृपा रलेश। बस आप सब वैष्णव जन कृपा करें कि कुछ हरि कथा रस वर्षण से मैं अपनी वाणी को पवित्र कर सकूं। और श्रोता से ज़्यादा वक्ता को लाभ तो है, आपका एक भजन हो रहा है श्रवणम, लेकिन हम कथा बोल रहे हैं तो हमारा तो दो हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, मैं सुन भी तो रहा हूँ, श्रवण कीर्तन भक्ति, दो श्रोताओं की भी एक हो रही, लेकिन वक्ता की
दोनों भक्ति होती है, क्योंकि कीर्तन बोल रहा है तो खुद भी तो सुन रहा है। और दूसरा लाभ ये होता है कि जब हम कथा बोलते हैं ना, इसलिए देखो प्रचार सबको करना है, इसका एक लाभ बता रहा हूं कि हमारा चिंतन पवित्र बना रहता है। आपको अगर बोलना है तो कुछ ना कुछ चिंतन पठन श्रवण आप करते ही हो, लेकिन बोलना है तो कुछ अलग तरह से करोगे। सच्चे की झूठ बताओ। मान लीजिए आपको प्रवचन नहीं करना है तो आप श्रवण करते हो, बोलते भी हो, आनंद लेते हो, लेकिन बोला जाएगी प्रभु जी इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी को आपको बोलना है, तो फिर आप कैसे सुनोगे? फिर तो थोड़ा सीरियस हो गए भाई, नोट करना पड़ेगा या कसरत करोगे कि नहीं बताओ? और ये नहीं करोगे तो फिर दूसरा चिंतन करोगे। तो कथा बोलने वाले वक्ता को एक लाभ होता है कि उसका चिंतन जो है वो पवित्र बना रहता है, और दूसरा उसको न चाहते भी वैष्णव सन्निधि मिलता है, क्योंकि कथा पेड़ को तो सुना नहीं सकते, हम लोग रूप सनातन तो है नहीं, साधु मंडली तो सुनने आएगी तो कम से कम साधुओं के बीच में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मन में भले इच्छा हो लेकिन बाहर से साधु तो बने ही रहेंगे, अंदर भले भोगेच्छा शिखर पर हो लेकिन साधुओं की कृपा के दब दबे से दबी तो रहेगी। ये लाभ होता है हम भक्तों को, ये देखा जाता है। और सुबोधिनी में वल्लभाचार्य जी ने कहा है, जो कथा कहता है उनके लिए थी, कि वक्ता की दो भक्ति हो, ये जो मैं बता रहा हूं उन्हीं की टीका से बता रहा हूं, कि वक्ता की दो भक्ति हो रही, श्रवण भी हो रहा है कीर्तन भी हो रहा है, श्रोता की अपेक्षा उनको एक लाभ ये मिल रहा है। लेकिन इस वक्ता को एक और विशेष लाभ मिलता है कि इतने लोगों को हरि कथा स्मरण श्रवण कराने के बाद कितने हजारों श्रोताओं का उन्हें आशीर्वाद मिलता है। इसलिए भगवान ने जो गीता में कहा ना, अभी गीता जयंती गई, मैराथन गया ही चल ही रहा है, न तस्माद मनुष्येषु, ये वास्तव में सत्य है, ये लाभदायी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारी साधना में कोई दम बल नहीं है, लेकिन वैष्णवों की जो कृपा है ना, उनका जो आशीर्वाद है ना, वो एक ऐसा कवच है कि हम माया के सामने बिंदास लड़ सकते हैं, कोई हमारा बाल बांका नहीं। ये अनुग्रह भक्ताओं को होता रहता है, इसीलिए हम भक्तों को प्रयास करना है कि कुछ कैसे भी हो, जैसी यथाधीत यथामति, सूत जी ने भी यही कहा, जैसी मेरी मति है, जितना मैं सुना गुरुजनों से समझा उतना मैं आप वैष्णव चरणों में समर्पित करने का प्रयास करूँगा, मेरा भी यही इच्छा भाव है। और खासकर राधा माधव और भगवान पंचतत्व के और उनके प्रेमी भक्तों के चरण रेणु से मंडित अंकित ये मायापुर धाम में ये कई बार से सौभाग्य मिल रहा है, तो मैं तो अंदर से बहुत ही खुश खुश भी हूँ और साथ साथ में दुख दुख भी है कि मैं आपको सही वस्तु दे नहीं पाऊँगा, लेकिन जितना हो सके मैं प्रयास करूँगा कि मूल भागवत के शब्दों पर जो शुक मुखात अमृतम है और उसके ऊपर हमारे वैष्णव आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने, गुरुजनों ने, पूर्ववर्ती या अर्वाचीन प्राचीन आचार्यों ने जो भाव दिया है, उन भाव को मैं आपके सामने रखूं, ताकि आपका हृदय भी कृष्ण स्मरण से, कृष्ण लीला से परिपूर्ण हो जाए। और ये हमने विषय पद्मनेत्र प्रभु जी ने हमको कहा कि प्रभु जी क्या बोर्ड लगाए, तो मैं एक डेढ़ महीना तो ऐसे निकल गया होगा 15-20 दिन, फिर इसका फोन आया भाई अभी बोर्ड छपवाना है कुछ तो बोलो। तो हमारे यहाँ गुजरात में क्या था उस समय, कार्तिक के पहले उस वाले सीजन में शादी का सीजन चलता है, सबका अलग अलग होता है, यहाँ की मुझे पता नहीं, हमारे राजस्थान वाले मई अप्रैल में चालू करते हैं अक्षय तृतीया, उस समय गर्मी वाले, हमारे गुजरात वाले दिवाली में ही फंसना चालू हो जाता है, मतलब शादी करना। यहाँ तो काफी समझदार लोग भी बैठे हैं, क्योंकि या तो व्यक्ति शादीशुदा हो सकता है या समझदार, दोनों नहीं हो सकता, लेकिन दोनों बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए समझे इस बात को। तो हमने सोचा कि भाई चलो लगन, एक बड़ा प्यारा शब्द है हमारे गुजराती में, शादी को क्या कहते हैं लगन, लेकिन रेगिस्तान की गंगा मारवाड़ की मीरा ने एक भजन गाया मोहे लागी लगन, अब वो लगन अलग शब्द में है, मैरिज वहां लगन अलग है, यहाँ लगन मतलब योग मिलन, और हमारा भी तो यही करना है
भगवान के साथ लगन करना है तो पहले भागवत के साथ शादी करा दी जाए, क्योंकि वही कृष्ण भागवत के रूप में है। रुक्मणी का भी पहले श्रवण हुआ फिर तभी तो कृष्ण मिले, प्रेम हुआ, पत्र लिखा। और हमको तो भगवान प्रेम करते ही, उसने तो पत्र पहले लिख दिया, ये गीता जी है ना कृष्ण का पत्र ही है। छंदासि यत्र पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, पर्ण को भी पत्र कहते हैं कि नहीं, पत्र मतलब लेटर नहीं, पत्र मतलब ये भी है ना पत्र। और ये वेदों के श्लोक को उपनिषद क्या कहता है, छंदासि यस्य पर्णानि, पुरुषोत्तम योग भगवद गीता। गीता जी के भी अपने आनंद है, सुनने लायक है, सब बातें इसमें आएगी। लेकिन दसम स्कंद में ये कृष्ण का रुक्मणी और आदि रानियों के साथ, जो कोई अन्य नहीं भगवान की अतरंगा शक्ति आलादिनी श्री राधा के ही अंश काय व्यूह स्वरूपा महिषिया है चैतन्य चरितामृत के अनुसार, तो उनके साथ भगवान का ये मिलन। क्योंकि जो शादी किए है या नहीं किए है उन सबको उद्धार करने के लिए कृष्ण शादी कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि भाई तुमको सुनना ही है तो मेरा शादी सुनो, करने की अपेक्षा मैंने जो किया है वो सुनो, क्योंकि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, भव्य है, दिव्य है। हमारा तो फसावट वाला है। भगवान इसलिए तो लीला करते हैं, आसिया प्रपंचे लीला कैल सुविस्तार, नहीं तो कौन प्रिया, नित्य प्रिया है रुक्मणी भगवान की। लेकिन यहाँ आके विदर्भ देश में प्रकट हुई, लेटर लिखा जाता है और ये लेने जाते हैं। क्यों करते ये लीला, हमारे लिए। सुनवंती गायंती स्मरंती भिक्षण शव, कुंती कहती कि इन्हीं लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने पर भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, भगवान के चरण कमल को हम पा जाएंगे इस लीला का श्रवण कीर्तन करते हुए। इसलिए आचार्यों ने भजते तादृशी क्रीड़ा श्रुत्वा तत्परो भवे, रास पंचायती सुखदेव जी कहते कि भगवान तादृशी क्रीड़ा, इस प्रकार की लीला भगवान इसलिए करते हैं कि श्रुत्वा उसको सुनकर परो भवे, हम भी तीनों गुणों से परे परम धाम को प्राप्त हो जाए। सरल प्रयोजन है आचार्यों का। तो हमने सोचा दसम स्कंद में इस बार आनंद लिया जाए, क्योंकि हमने प्रथम स्कंद भी यहाँ कहा भीष्म स्तुति, फिर तीसरा चौथा छठा वृत्रासुर आदि, हमने कहा इस बार भगवान का मुख कमल दर्शन करते हैं। क्योंकि पद्म पुराण में लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो रसमय है, रसराज है, रससार तनु है, उसी का अभिन्न विग्रह है श्रीमद् भागवत। और पादो यदि यो प्रथमम द्वितीयो, प्रथम स्कंद दूसरा स्कंद दो भगवान के चरण है, तीसरा चौथा उरु, पंचमो नाभि, ये सब वर्णन आया है, सातवां आठवां भुजा है। और फिर वहां पर लिखा गया है पद्म पुराण में सातवां वक्षस्थल, छठा वक्षस्थल को कहा सातवां आठवां भुजा, पंचम नाभि, छठा वक्ष, सात आठ भुजा, यहां तक अंग बताया नीचे से। और फिर व्यास जी लिखते हैं कंठस्तुराजन नवमं यदियो मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम। हे राजा, ये जो कंठ है ना वो नौवा स्कंद है, और दशमं मुखारविंदम प्रफुल्लम, भगवान के कमल के जैसा खिला हुआ मुखड़ा जो है वो कौन सा स्कंद है, दसवा। मतलब दसवा स्कंद पढ़ना सुनना ये क्या है, हम क्या दर्शन कर रहे हैं, भगवान के मुख का, मधुराधिपते अधरम वधुरम मदनम मधुरम, ये वाली बात है भाई। तो इसका थोड़ा रस लिया जाए कि दसम स्कंद, और एक विचार करें तो दसम स्कंद तत्व से आश्रय तत्व है, यत्र सर्गो विसर्गो, लेकिन तत्व की ज्यादा हमें झड़ी लगानी नहीं, यहाँ हमका सरदर्द हमें ऐसे भी नहीं करना है, आनंद करना है, लीला रस लेना है, और उसमें कुछ तत्व आ जाए, वो एक वो स्वीट राइस में किशमिश जैसा, काजू बादाम जैसा, बस इतना ही बहुत है, हमें स्वीट राइस खाना है लीला रस लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ प्रयास होगा, क्योंकि हम मायापुर में कर रहे हैं, तो वही कृष्ण श्याम सुंदर गौर सुंदर बने हैं, ब्रजवासी बंगाली बना है ना, ब्रजवासी बाबू बंगाली बाबू बना, और उसमें उसी गौर कृष्ण में श्याम कृष्ण में,
श्याम सुंदर में गौर कृष्ण में एक वस्तु क्या अन्न है, क्योंकि वहां राधा साइड में है और यहां राधा अंदर है, ये विषय। वहां श्याम सुंदर के पास राधा है लेकिन साइड में है ना, साथ में है, और यहां गौर सुंदर में राधा कहां है, इसलिए यहां थोड़ा डीप है, इसलिए इनकी लीला कहने पर इनकी आएगी। चैतन्य चरितामृत में कविराज महानुभाव ने कहा है कृष्ण लीला अमृत सार, कृष्ण लीला जो है ना वो अमृत का भी सार है। मध्य लीला 25वां अध्याय 223 सनातन गोस्वामी को संदेश देते हुए महाप्रभु चैतन्य जो शब्द बोले हैं, कविराज महानुभाव एज इट इज वहां रखे हैं महाप्रभु के शब्दों को, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से कह रहे कृष्ण लीला अमृत सार और त्यार शत शत धार। जैसे कोई अमृत का स्रोत झरना नीचे बहता और उसकी 100 धाराएं हो जाए, जैसे गंगा जी गिरती है तो उसकी कई धाराएं हो जाती, भागवत में लिखा है सुमेरु पर्वत पर गिरती तो उसकी 4 धारा हो जाती और 4 से फिर कई धाराएं, तो कृष्ण लीला अमृत का एक धारा है और उसकी शत शत धार 100 धारा है। दशो दिगे बहे जहां तहां और दशो दिशाओं में बह रही है। तो भैया चैतन्य लीला क्या है, अब कविराज से पूछा जाए कि कृष्ण लीला तो अमृत सार है और दशो दिशाओं में 100 धारा में, मतलब चारों संप्रदायों में वैष्णवों के मुखों से बह रही है भागवत की गंगा कृष्ण लीला। चैतन्य लीला होय सरोवर अक्षय मन हंस चराओ ताहाते। लेकिन ये जो चैतन्य लीला है ना वो एक सरोवर है, लेक, उसको धारा नहीं बताया गया, क्या बताया गया। अब देखो झरने में और सरोवर में एक अंतर है, क्योंकि वो झरनों का सार जहां एकत्र होता है ना वो सरोवर है। आनंद कुंडे इति द्रक्ष्व लीला वीरानंद कुंड, वहां न सरोवर कहा न समुद्र कहा न नदी कहा, वहां कुंड कहा सत्यव्रत मुनि ने। और वैष्णव विद्वान आचार्य कुछ भी बोलते हैं ना उसकी वाणी में मर्म होता है, इसके अर्थ बताए जाते तब अलग रस बहता है, क्योंकि कुंड का जल अपने आप में मीठा होता है, कूप का कुंड का जल, और वो उसका क्या होता है वो ऊपर से नहीं भरा जाता, वो नीचे से आता है। ये कुंड का और कूप के जल की विशेषता क्या है, वो कहां से आता है, ऊपर से भी वर्षा आदि में थोड़ा भर जाता है लेकिन उसका मूल स्रोत ऊपर नहीं है, मूल स्रोत नीचे होता है कुंड का। एनीवे यहां पर अक्षय सरोवर, अब ऐसा सरोवर है जो कभी क्षय नहीं होने वाला, चैतन्य लीला। और आप भक्तों से क्या निवेदन किया जा रहा है महानुभाव कविराज जी के द्वारा कि आप आपके मन रूपी हंस को इस सरोवर में क्या कराओ, विहार कराओ। अब कृष्ण लीला ऐसे ही अमृत है, वो झरना है, और ऊपर से चैतन्य लीला, दोनों मिल जाए, कृष्ण लीला और चैतन्य गौर लीला। उसके बाद वो लिखते हैं चैतन्य लीला अमृत पूर, अब ये भी अमृत हो गया, ये भी अमृत ही है लेकिन वो अमृत में पूर्णता आ गई, एक एक विशेषता, एक सुगंध आ गई, रस तो था ही था, स्वाद तो था ही था लेकिन क्या बढ़ गया, सौरभ, सुगंध बढ़ गया। और कृष्ण लीला सुकपूर, उसमें कृष्ण लीला चैतन्य दोहो मिली, दोनों जब मिल गए हय सुमाधुर्य, अब माधुर्य था लेकिन उसमें सु उपसर्ग लग गया, हय सुमाधुर्य साधु गुरु प्रसादे जहाते आस्वादे सही जाने माधुर्य प्रचुर। साधु और गुरु की कृपा से हमें कृष्ण लीला चैतन्य लीला रस को क्या करना है, आस्वादन करना है। एक बात बता दूं भक्तों, चैतन्य महाप्रभु जी ने हम गौड़ीय धारा में वैष्णवों को अपने जीवन से 3 मैसेज है, मुख्य बहुत है लेकिन कंक्लूजन सार, फर्स्ट आचरण, दूसरा प्रचार, हम लोग कर ही रहे लेकिन मुख्य वस्तु है आस्वादन, जो हम चूक रहे। महाप्रभु ने पुरी धाम में गंभीरा में जीवन भर यही किया अंतकाल में,
भागवत के भगवान के शब्दों की लीला का आस्वादन। अब खुद भिखारी है क्या देगा बताओ, हम लोग प्रचार करने निकले खुद ही भागवत का श्लोक नहीं मालूम, रस नहीं मालूम, भाव नहीं मालूम, अर्थ नहीं मालूम, क्या करेंगे। प्रतिपदम पूर्णा अमृत आस्वादनम की बात क्यों हम भूल जाते बताओ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय भक्तों को भूलना नहीं है, आचरण करना है, प्रचार भी करना है, लेकिन इन दोनों से चढ़ के बढ़ के क्या है मूल आस्वादन। और वो जितना तीव्र गहरा शुद्ध होगा उतना ही आचरण प्रचार इजी होगा, फिर कंटाला नहीं आएगा माला करते हुए, फिर भागवत सुनते हुए जबकि नहीं आएगा, लेकिन आस्वादन ही नहीं हमारा। साधु गुरु प्रसादे जेई आस्वादे से ही जाने माधुर्य प्रचुर, वही माधुर्य को समझेगा। ये लीला अमृत बिने, अगर ये कोई लीला नहीं सुनेगा, खाए यदि अनुपाने तबु भक्तेर दुर्बल जीवन। भक्ति तो करेगा, साधना तो कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन वैष्णव मुखों से श्रीमद् भागवत लीला रस नहीं पी रहा है तो उसका भक्ति जीवन कैसा होगा, शक्तिहीन, दुर्बल, ढीला ढाला, उदासीन, फिर आलस, अपराध, अंततः भक्ति गायब, और फिर भक्त भी मंदिर से गायब, मिस्टर इंडिया हो जाएगा, ढूंढना पड़ेगा फिर उसको, ऐसी दशा में हो जाए। इसलिए सावधान, जार एक बिंदु पाने, कभी कभी भी जीवन में सौभाग्य मिल जाए, कृष्ण रस भाविता मती कोई वैष्णव जीवन में आ जाए और भागवत सुधा सरिता का एकाध इंजेक्शन भी डाल देना, एक बार वायरस चला गया ना साल भर काम में आता है प्रभु जी। ये हमारा गौर मंडल परिक्रमा इसलिए कर रहे हैं, 7 दिन एक बार इंजेक्शन जाता है ना, अगली गौर पूर्णिमा तक चलता है हम लोग को वायरस। निधाय गौर प्रेमानंदे। आचार्यों की विधि है हमको ठीक करने के लिए। तेरे रस का लगा चस्का, जिसको लगे वैकुंठ फीका सा उसको, वो भक्त को वैकुंठ भी जीरो लगता है एक बार इस रस का चस्का लग जाए, क्योंकि ये प्रेम का समुद्र है, इसमें किनारा है ही नहीं, इसमें तो डूबना ही डूबना है, और इसमें डूबना ही तैरना है भागवत में। देखो कितनी सुंदर बात है, जार एक बिंदु पाने प्रफुल्लित तनु मने हंसे गाए करे नरतन। वो भक्त अगर कथा भागवत की बढ़िया सुनेगा ना तो उसका जप बढ़िया होगा, उसका कीर्तन बढ़िया होगा, उसकी सेवा बढ़िया होगी, उत्साह वाली होगी, आनंद वाली होगी। और इसके जीवन में उत्साह है ना, उसको रोज उत्सव है। जिस भक्त की साधना में उत्साह है उस भक्त को रोज एवरी डे इज अ फेस्टिवल। लेकिन वो उत्साह आए कहां से, इसी से आएगा। और यहां पर लास्ट में लिखा है ये अमृत कर पान, इस अमृत का पान करो, और जहां सम नहीं आन, इसके समान दूसरा कुछ है नहीं हम भक्तों के लिए पीने खाने के लिए। चित्ते करी सुदृढ़ विश्वास, सुदृढ़ विश्वास चित्त में करके भक्तों से भागवत लीला सुनते रहो। ना पड़ो कुतर्क गरते, भक्ति विरोधी जो ये चर्चा है ना, इस प्रभु जी ने ये किया, ये भगत, ये सुनना ही नहीं है, वो कचरा, हमको क्या है भाई जो किया सो किया। ना पड़ो कुतर्क गरते अमेध्य करकार अर्ते, क्योंकि जार पड़ी ले होय सर्व नाश। अब एक तरफ विषय वासना की गटर है और एक तरफ भागवत भक्ति रस का समुद्र है, आप और हम बीच में है, बोलो कहां जाना है, कहां जाना चाहिए। अवतीर्ण गौरचंद्र विस्तीर्ण प्रेम सागरम, यत्र न मज्जति मज्जति अनर्थ सागरम, चैतन्य चंद्रोदय। चैतन्य महाप्रभु प्रेम रस का समुद्र लाए हैं हम लोगों के लिए, और हम इसमें मज्जन करने को छोड़कर जो कुतर्क अनर्थ निंदा आलस अपराध उसकी चर्चा ही नहीं करनी है, करने की बात तो छोड़ दो, जो करते हैं ना उसकी भी चर्चा नहीं करनी हमको, हमें तो बस कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।
और जब इस तरह श्रवण होगा ना, तब श्री मदाततम श्रवण मंगलम। श्रीधर स्वामी ने इस दसम स्कंद में भी जो ये 52वां अध्याय 52 चैप्टर जिसमें कृष्ण का फर्स्ट मैरिज हो रहा है, पहला विवाह पृथ्वी पर, फर्स्ट श्री गणेश, और कृष्ण का विवाह की बहुत विशेषता है, सब विवाह में झगड़ा, मार काट, युद्ध, शांति से एक भी विवाह नहीं हुआ। भगवान यही बता रहे कि भक्तों सावधान, ये चक्कर ही लड़ाई झगड़े वाला है। हम लोग यहां, हमारे यहां कथा करते, हम लोग कहते हैं कि या तो जीवन है ना प्रेम करने के लिए मिला है, और या तो झगड़ा करने के लिए मिला है, और दोनों करना है तो शादी करने के लिए, रोज प्रेम रोज झगड़ा होता है, या तो युद्ध करो या तो प्रेम करो, और दोनों करना है तो गोविंदाय नमो नमः करो। क्योंकि जो शादी है ना वो अग्नि की साक्षी से होता है, लेकिन अग्नि का साक्षात्कार शादी के बाद होता है। वो साक्षी में, लेकिन उसका जो साक्षी और साक्षात्कार में फर्क है, ये बाद में होगा तुमको। इसलिए देखो भगवान राम ने भी, वो हनुमान जी क्या कहते भागवत में, राम जी की स्तुति करते पंचम स्कंद 19वां अध्याय, सीता कृतानि व्यसनानि, भगवान राम रो रहे सीता को ढूंढते हुए, तो वहां पर हनुमान जी कहते मर्त्यावतारम तव मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायव न केवलम विभो। हे राम, आपने राक्षसों को मारने के लिए अवतार नहीं लिया? तो लक्ष्मण जी बोले देखो हनुमान क्या बोल रहा है। राम जी ने कहा क्या बोल रहा है, हमने तो गीता में बोला विनाशाय च, और इस रीजन इसको फेल कर रहा है हनुमान। बोले इसके लिए तुमने अवतार नहीं लिया, मर्त्य अवतार, आपने मानव अवतार लिया, मर्त्य शिक्षणम आपनी आचरी, सिखाने के लिए मर्यादा, लेकिन ये तो सिखा सकते थे, लेकिन ये दूसरी लीला क्या कर रहे। तो बोले सीता के साथ ये जो लीला चल रही है रोने वाली सीता हरण की, उससे भगवान ये सिखा रहे कि अगर चक्कर में आए ना तो जीवन भर मैं भी रो रहा हूं ब्रह्म, तो तू तो है ब्रह्म, मैं ब्रह्म रो रहा हूं इसमें पढ़ के, तो तू तो ब्रह्म में ऑलरेडी है, तो तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या तेरा क्या होगा ये दशा है हम लोगों की। इसलिए भगवान अपनी लीलाओं से कई संकेत करते हैं, लेकिन मुख्य संकेत क्या है, भक्ता नाम विनोदाय करोति विविधम क्रिया इति दृक् स्वलीला। मुख्य वस्तु है भक्तों को आनंद देना, मुख्य प्रयोजन ठाकुर जी का यही है। तो भगवान ये लीला रस आनंद वर्धन के लिए ही करते हैं। तो भक्तों श्रीमद् भागवत जो है, और उसमें चैतन्य चरितामृत मिला दिया जाए, प्रभुपाद की परंपरा से हमें दोनों मिला है हमारे हम भक्तों को, और इसका हम एक इसको मिलाना अगर जाने ना, और एक एक रस अमृत का अक्षय सरोवर बन जाएगा। फिर आपको और हमको क्या करना, हमारे मन रूपी हंस को इसी में विहार कराना। आप प्रश्न करोगे क्या मिलेगा, बोले प्रेम भक्ति के मोती मिलेंगे। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। जयदेव जी महाराज कहते शीत कमला कुछ, मुनियों ने अपने मानस को हंस उपमा दी है ना। प्रभुपाद जी का प्रिय श्लोक मुकुंद माला स्तोत्र का, अद्येव मे विशतु मानस राज हंस, मेरा मन रूपी हंस अद्य एव अभी आपके चरण कमलों में लगा है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, प्राण प्रयाण समय क्या मालूम क्या होगा, कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते, इसलिए मैं मेरा मन अभी लगा है मेरे प्राण छूट जाए, सामति सागति मैं पा जाऊं, ये आचार्यों की प्रार्थना है। तो हमें हमारे मन को हंस बनाना है, जो मन अब तक कौवा था, क्या था, जो संसार के विषय वार्ता में मन घूमता है वो मन क्या है, कौवा है। और जो भगवान की लीला कथा गीता भागवत के श्लोक चुनता है वो हंस क्या है, वो मन क्या है, हंस। तो बताओ क्या बनना है। नारद जी ने यही बात कहा व्यास जी से भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में, तद वायसम तीर्थ मुष्यंती मानसा
नयत्र हंसा निर्मंत उचिक्षया। हे व्यास जी, आपने बहुत पुराण लिखे, बहुत स्टोरी बताई, बहुत सिद्धांत लिख दिया, उपनिषद झाड़ दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन अच्युत प्रियजनों से कृष्ण प्रेम लीला रस का भागवत नहीं लिखा जो वैष्णव हंसों को प्रसन्न है, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। जो कव्य प्रकृति के लोग होते हैं वो नहीं, लेकिन वैष्णव के लिए कुछ करिए, तो वहां पर भी ये बात बताई गई है। और वास्तव में संसार में रहना है तो हंस है ना, सारग्राही होता है, सारग्राही दूध दूध ले लेता है, पानी पानी। ऐसे ही हमें संसार में जीना है, भजन करना है, मैनेजमेंट भी करना है, सब कुछ करना है, भक्ति, और उसमें भी शुद्ध भक्ति। इसलिए सावधान, मेरा एक ही वाक्य का जो प्रयोजन था उसमें इतना बोलना पड़ा, हमारी साधना हमारी सेवा, वैष्णव गुरुजन आचार्यों के साधुवाद के पात्र होनी चाहिए, वो प्रसन्न होने चाहिए, हमारे जीवन का गोल है, लक्ष्य है। ऐसा अगर लक्ष्य होगा तो कम साधना करते हुए भी पा जाएंगे भगवान को, क्योंकि हम अपराध से बचकर आशीर्वाद से युक्त हो जाएंगे। सीधी सीधी प्रणाली है इस भाव में, दास दासानुदास का यही विश्लेषण है, ये मूड हमारा बने, और मुझे विश्वास है ये भागवत बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये रुक्मणी मंगलम, देखो ये विवाह को मंगलम कहते हैं संस्कृत में, कल्याणम साउथ की भाषा में, यहां कहते हैं कल्याणम नहीं, कल्याण कहीं कहीं कहते हैं। विवाह जो है, हिंदी शब्द विवाह कहते ना, यहां शादी विवाह, शुभ विवाह, कार्ड में लिखते शुभ विवाह, कितने का है शुभ क्या अशुभ पता नहीं, लेकिन लिखते शुभ, जानते विवाह। हमारे यहां हम सब भी भाषा शब्दों के अंदर घुसते हम लोग, तो उसका मॉडिफाई करते, बोल पे खोलना पड़ता है। एक शब्द है वाह, वाह मतलब संस्कृत शब्द है, वाह मतलब निर्वाह करना, भरण पोषण करना, अच्छी तरह से उसको संभालना, जिम्मेदारी लेना, भरण पोषण करना, यह है विवाह शब्द का एक अर्थ, निर्वाह करना, पालन पोषण करना, एक अर्थ। अब इसको इसमें थोड़ा संधि विच्छेद करें, वी प्लस व आह, वी प्लस आह, ऐसे शब्द होगा विवाह। अगर वी मतलब विष्णु, वी फॉर विष्णु, विष्णु आराध्यते पुंसा नान्य तत्तोष कारणम, विष्णु पुराण। वर्णाश्रम धर्म क्यों बनाया भगवान ने, वर्णाश्रम का एक पार्ट है गृहस्थ आश्रम विवाह, 16 संस्कार में से 11वां 12वां संस्कार है ये विवाह, अच्छा निकले तो, नहीं तो अंत्येष्टि संस्कार में और 12वें संस्कार में कोई फर्क नहीं है विवाह संस्कार बीच में आता है, और जन्म गर्भाधान से लेकर पुंसवन ये सब संस्कार है ना, 16 संस्कार, तो ये जो विवाह संस्कार है ना, मुझे क्रम याद नहीं है, 11वां 12वां है, आप देख लेना, अगर आपको निभाना है तो ठीक है, नहीं तो 16वां अंत्येष्टि संस्कार है, वो दोनों सेम हो जाता है, एक आर्ट है ये भी जीने का। तो भगवान ने विष्णु पुराण में बताया कि ये ब्रह्मचारी वर्णाश्रम आश्रम क्यों है, इनका उद्देश्य क्या है, विष्णु आराध्यते, न तो दूसरे किसी को प्रसन्न करना, नहीं भगवान को प्रसन्न करना, उनकी भक्ति करना, जन्म मृत्यु से छुटके उनके धाम को पाना, इसलिए आश्रम है और इसीलिए वर्ण है। इस अनुसार अगर हम विवाह शब्द का अर्थ करें तो इसका अर्थ हुआ वी फॉर विष्णु, विष्णु भक्ति जो भी कहिए, और वो जीवन में है तो ही वाह है, नहीं तो विवाह के दिन एक दिन विशेष, विवाह शब्द का लोकल अर्थ, लोकल सामाजिक ऑर्डिनरी अर्थ क्या होता है, मीनिंग कि वी मतलब विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वाह मतलब वाह वाह। तो देखो दूल्हे का उस दिन वाह वाह बहुत होता है, भले 50 रुपया भी कोई उसको भाड़े पे न रखे, लेकिन उस दिन क्या होता है वाह, सब वाह वाह करते, एक दिन वाह वाह और जीवन भर के लिए आह आह। देखो एक दिन वाह और जीवन भर आह, फंसाने वाली बात है सब। लेकिन आप जीवन भर वाह वाह करना चाहते हो तो विष्णु को मत निकालो, क्योंकि वी निकलेगा तो आह रहेगा, वी साथ में रहेगा तो वाह ही रहेगा भाई। इसलिए जे दिन गृह भजन देखी
भजन राधा माधव का एक उपासना चालू किया ना, जयदेव गोस्वामी जंगलों में पेड़ के नीचे नंगे घूम रहे थे, लेकिन पद्मावती से पानी ग्रहण हुआ तो उसी दिन झोपड़ी बनाई, और झोपड़ी बनाई तो पहले किसको लगाया, क्योंकि ठाकुर जी का है, अमार बोली थे प्रभु, अरे किच्छू ना है, ये भक्त का भाव होता है। और राधा माधव दीटी बनाया उन्होंने, जयदेव गोस्वामी ने, राइट। तो गृहस्थ जीवन का लक्ष्य क्या है, विष्णु, विष्णु भक्ति, क्योंकि एक स्त्री की कई इच्छाएं होती है, कई उसमें अपूर्णता है, कई उसकी आवश्यकता है, और एक पुरुष में भी कई आवश्यकता है, कई उनकी इच्छा है, तो दोनों साथ में रह के आवश्यकताओं को पूरी करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे, जो है कृष्ण भक्ति। और दूसरा उद्देश्य कुल की कीर्ति बढ़ाए, ऐसे वैष्णव संतान उत्पत्ति, ये विवाह का मुख्य प्रयोजन था। लेकिन आज तो कोई समझता ही नहीं है, किसी को पूछा जाए शादी क्यों किया, पिताजी ने किया इसलिए, उसने गलती किया तो तुम भी करोगे, ऐसा तो पूछ नहीं सकते हम लेकिन उद्देश्य ही नहीं मालूम क्यों। इसलिए इसमें बहुत सारी सामाजिक वैज्ञानिक भाव की बहुत सारी बातें आएगी, लेकिन आज हम रुक्मणी मंगल का क्या कहते हैं बेस खाली बना रहे, मंगलाचरण कर रहे हैं। तो एक बात में चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रमाणित आचार्य श्रीपाद श्रीधर स्वामी इस अध्याय में इस रुक्मणी मंगलम, ये नाम जो है ना रुक्मणी मंगलम, ये श्रीधर स्वामी का दिया हुआ है। इसमें तो ये अध्याय का नाम रुक्मणी मंगलम नहीं है, रुक्मणी उद्वा रुक्मणी विवाह है, लेकिन इस विवाह को मंगलम नाम किसने दिया, श्रीधर स्वामी ने। इस उपाख्यान का नाम रखा है, कई बातें समझ, जैसे आप लोग गीता पढ़ते हो, इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्या, या ये महाभारत में नहीं है। महाभारत में जो 18 भीष्म पर्व के 18 से लेके 25, ये जो 16 अध्याय है, 25 से लेके 42 18 अध्याय, जिसको हम भगवद गीता कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच से लेकर संजय उवाच, लास्ट तो संजय ही बोला ना, यत्र योगेश्वर और माम का A to Z, बीच में जाने दो जो भी है। लेकिन श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती ठाकुर ने ये सब गीता के अध्यायों का विषाद, ये सब नाम वहां जाड़ा है, इति श्रीमद् भगवते, ये जो जो श्लोक बने हैं मूल मूल गीता में, ये मधुसूदन पादन की रचित रचना है, क्योंकि एक अध्याय को एक अध्याय से अलग करने के लिए, वहां पर भी अध्याय अलग है लेकिन वो नाम नहीं है महाभारत, वहां समाप्त होता है दूसरा चालू होता है, कंटिन्यूटी है वहां। बहुत बातें हैं इसका अर्थ समझने के लिए। तो इसी तरह श्रीमद् भागवत में भी हमारे आचार्यों की यही तो विशेषता है, इसलिए मैं कभी कभी भाव में हम लोग भक्त लोग अतरंग बैठते तो चर्चा करते हैं कि अरे हम लोग कुछ भी भागवत नहीं समझते, ABCD कर रहे हैं भागवत का भ भी नहीं जान रहे, फिर भी इतना रस आता है, इतना आनंद आता है। तो परीक्षित का, सूत जी का कितना सौभाग्य था कि सुखदेव जी के मुख से डायरेक्ट सुन रहे थे, काश हम भी नैमिषारण्य में होते, ऐसा लगता है। तो हमने एक बार बोला कि हम भी नैमिषारण्य में होते तो हमारे मित्र अभी नहीं है जो यहाँ मायापुर धाम में बहुत वाणी सेवा किए हैं, हिज होलीनेस गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज, मैं हमारे बहुत मित्र जैसे थे, उनके सामने में बहुत हंसी मजाक हम लोग करते थे। तो मैं उसको बोलता था, प्रभु जी इतना मजा आता है, काश सुखदेव जब कथा करते और हम भी वहाँ आसन लगाए होते तो कितना अच्छा होता। वो कहते तू वहां बैठा ना तो सोता, यहां भी सोता है वहीं सोता। मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहे प्रभु जी, बोले वो संस्कृत में हो रहा था। मैंने कहा हाँ ये तो सच है, यहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां तो क्या हो रहा था, शुक मुखात तो संस्कृत में जा रहा था ना, वहां थोड़ी प्रभुपद परपट होने वाला था। तो उसने हमको कहा कि प्रभु जी तू उधर होता ना तो तू सोता उधर। मैं बोला प्रभु जी कान पकड़ा, बात तो सही है। और फिर उसने एक बहुत सुंदर बात बताई कि उससे भी ज्यादा सौभाग्य प्रभुपाद ने हमको दिया। हमने कहा कि भावुकता में बोल रहे, बोले नहीं, बोले वहां बैठते तो संस्कृत समझ भी लेते तो भी सुखदेव जी का अमृत मिलता तुमको, स्वीट राइस, लेकिन इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का किसमिस नहीं मिलता तुमको, इसमें श्रीधर स्वामी का काजू बादाम नहीं मिलता तुमको, क्योंकि ये आचार्यों की टीका तो प्रभुपाद की कृपा से मिल रही ना, वहां टीका नहीं हो रही थी, वहां तो मूल ही बह रहा था।
लेकिन हमको आज क्या मिल रहा है, सब मिल रहा है, मूल श्लोक मिल रहा है, प्रभुपाद का टीका मिल रहा है, रूप गोस्वामी इनके आचार्यों का सारा मिल रहा है, वो वहां मिलता क्या बताओ। इसीलिए जितना दास दासानुदास उतना ज्यादा फायदा, कमी है ही नहीं यहां पे। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं रुक्मणी मंगलम नामम श्रव्यताम बहु मंगलम। इस अध्याय की शुरुआत में श्रीधर स्वामी को मैं याद कर रहा हूं, वो कहते हैं कि इसका नाम रुक्मणी मंगल है, मंगल मतलब विवाह, क्योंकि भगवान का कोई भी लीला क्या है, श्रवण मंगल। देखो आज विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है कि मंगल पर जीवन बनाने की सोच रहा है, लेकिन जीवन का मंगल किस में वो लोग नहीं जान रहा है। मंगल पे उसको मंगल ढूंढ रहे हैं वो लोग, शनि क्या क्या ढूंढ रहे हैं बताया ना आपको, नासा वाले मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जीवन में मंगल कैसे होगा, ये ब्रज की गोपियों ने कहा श्रवण मंगलम। नेमिषारण्य के ऋषियों ने पहले ही पूछा भवत भी लोक मंगलम, हे सूत जी आप हमें सौभाग्य से मिले हो तो ये बताओ कि पूरे संसार के लोक समाज का मंगल किस में होगा। और मंगल शब्द का मूल अर्थ है कृष्ण मिलन में, कृष्ण भक्ति में जो भी वस्तु साथ दे वो है मंगल, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति जो कृष्ण मिलने में साथ दे, चाहे वो वस्तु हो व्यक्ति हो स्थान, वो क्या है हमारे लिए मंगल। और कृष्ण को मिलने में कृष्ण भक्ति में बाधा दे वो कोई भी हो वो क्या है अमंगलम। सीधा अर्थ यही है आचार्यों का। हम लोग तो क्या कहते हैं भजन करते हैं तो घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सुविधा मिल जाए, शादी हो जाए, हम समझते हैं मंगल हो रहा है। अब ये मंगल हो रहा है अमंगल हो रहा है राधा माधव जाने, आप अपनी समझ से मंगल बोल रहे हो। बलि महाराज ने तो सब कुछ ले लिया, तब बलि महाराज की पत्नी ने कहा कि मेरे पति का अभी आपने मंगल किया, इसको टकला बना दिया फिर भी मंगल किया, बोले आ सब लूट लिया। क्योंकि भगवान का देना जितना सुंदर है ना, लेना उससे भी सुंदर है। सुंदर है कि मैं सुंदरम, भगवान का कुछ भी असुंदर हो ही नहीं सकता, भगवान किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते, लेकिन भक्त को समझ में नहीं आता। लेकिन चेतना शुद्ध होती है ना तब ये बातें समझ में आती है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि रुक्मणी मंगलम श्रुत्वा, जो भी सुनेगा श्रुयताम बहु मंगलम, उनका क्या होगा मंगल होगा। और बाद में कहते हैं कि सर्व मंगलमयम पुण्यम, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का उनकी प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी के साथ प्रेम मिलन हो रहा है, और ये सारे जगत के पुण्य का भी महापुण्य है। तो सर्व मंगल पदम पुण्यम महापातक नाशनम, और जो भी इस रुक्मणी मंगल कथा सुनेगा उनके बड़े बड़े महा महा पाप भी साफ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। बस सोना नहीं है, सोने वाले का नहीं लिखा, सुनने वाले का लिखा है कि श्रुयताम, जो भी इसको सुनेगा महापातक नाशनम और सर्व मंगल पुण्यम प्रद और श्रुत्वा बहु मंगलम, उसका मंगल होगा। देखो आचार्य लोग कितनी सरल बातें बता देते हैं हमारे जीवन में कि रुक्मणी मंगलम श्रुयताम, सुनिए इसको, सुनिए क्यों, क्योंकि ये साधकों के लिए सिद्धि देने वाला प्रसंग है। क्योंकि जो दशा और व्यवस्था और वस्तु स्थिति रुक्मणी की है वही हमारी है, क्योंकि रुक्मणी ने कृष्ण को देखा नहीं था, हमने भी देखा नहीं। रुक्मणी कृष्ण को पा गई, पाना चाहती थी इसलिए पत्र लिखी और पा गई, हम भी तो उसको पाना चाहते हैं इसलिए तो साधना प्रयास कर रहे। रुक्मणी ने क्या किया, कहां उसकी साधना है, कैसे ब्राह्मण को भेजा, उस पत्र में क्या क्या भगवान के नाम बोली। देखो ऐसे हम बोलते थे हमको पता है शादी हुआ, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। अगर ध्यान से एक एक शब्द पर विचार किया जाए ना तो इसमें गागर में सागर है, रत्न भरे पड़े। पहला शब्द अच्युत लिखती है, पहला भुवन सुंदर, क्यों भुवन सुंदर, अच्युत क्यों नाम बोल रही है, उसके कितने अर्थ बताए हमारे आचार्यों ने। पहला तो पत्र 7 श्लोक, हमें तो इस प्रसंग में वही 7 श्लोकों को कहना है, रोज एक एक श्लोक कहेंगे 7 दिन हो जाएगा। श्रुत्वा गुणान, और उस श्लोकों को याद करना है, पढ़ना है, क्योंकि रुक्मणी ने वो पत्र है ना, वो शब्द नहीं है, वो रुक्मणी का कलेजा है, प्रेम है जिसने शब्द का रूप लिया है।
और इसके असली प्रेम शब्द को तो केवल कृष्ण समझ सकते हैं, और वो कृष्ण और उसके भक्त प्रभुपाद गुरु कुछ कृपा करे हम पर कि हम भी कुछ कुछ समझ पाए, क्योंकि रुक्मणी ने क्या क्या भाव वो हम क्या समझे, लेकिन कम से कम जस्ट टच तो करे उसको, मूल शब्दों को मुन। और हमारे आचार्यों ने ये व्यवस्था दी है, इनके अर्थ बताए, भाव बताए है गुरुजन, तो इनका श्रवण कीर्तन करना ये सौभाग्य है हमारा। जो समझता है वो समझता है इन बातों को कि ये कितना बड़ा अनुग्रह हो रहा है हम सब भक्तों के ऊपर। और इसलिए श्री मदात, बहुत देखो श्री मद अगर द पूरा कर दिया जाए तो अभिमान शब्द हो जाएगा, और भागवत के आगे जो श्रीमद लगा है वो द काट दिया, आधा द है, तो वो सौभाग्य हो जाएगा। और गोपी गीत में श्री मदातत एक तीसरा शब्द है, श्री मद भागवत, श्री मद से मुक्त होना है धन के अभिमान से, सुंदरता के अभिमान से, जो भक्ति में बाधक है। और रही बात कृष्ण कथा की, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, तो वहां गोपी कहते श्री मदा ततम भुवि गृणंती ते भूरिदाजन, श्री श्रयते इति श्री, श्रावयति इति श्री, शुणोति आश्रित जनानाम दुखम इति श्री, श्री लाति इति श्री। नारद पंचरात्र, श्री शब्द के कितने सुंदर अर्थ बताए। हम लोग क्या खाली बोलते थे श्रीमद भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, लेकिन श्रीमद शब्द समझाने में एक घंटा चला जाए। श्री देखो, आप साधारण जीवन में आदरणीय वस्तु के लिए, सम्मान के लिए श्री श्रीमान लगाते हैं हम लोग, नाम के पीछे, वस्तु के पीछे, आगे जो पूजनीय हो, आदरणीय हो, सम्मान के लायक हो, उनको हम क्या लगाते हैं, श्री। उम्र में बड़ा हो, जो भी हो, उस तरह हम यूज करते। अच्छा, साहित्यों के पास हम जाते हैं अलंकार कौस्तुभादी ग्रंथों में, तो श्री शब्द के कुछ पर्याय बताए गए कि श्री मतलब सुंदरता, श्री मतलब धन, धन संपत्ति, श्री मतलब वंदनीय पूजनीय आदरणीय वस्तु व्यक्ति स्थान, उसके आगे भी श्री, श्री धाम वृंदावन, श्री गुरुदेव लग चलता है। लेकिन वृंदावन श्रीमद भागवत, चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों में आप जाओ, सनातन गोस्वामी के चरणों में जाओ, जो राधा माधव की निकुंज की सखियों की सहचरिया है ये लोग, अष्ट सखियों की क्या है ये, मंजरिया किंकनिया है। और ये भागवत क्या है, राधा कृष्ण के प्रेम का पुष्प ही तो भागवत है। भागवत प्रेम पुष्प है जिसकी सौरभ वो भक्त भ्रमर सखिया लेती है। इसलिए उस देखो, आपको पुष्प दिया जाए आप उसके कलर को देख सकते हो, उसको छू के उसकी कोमलता देख सकते हो, बस ज्यादा से ज्यादा सूंघ कर उसकी फ्रेग्रेंस ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो हनी है ना, परागरज, वो तो बम्बल भी मधुमक्खी ले सकती है, आप नहीं ले सकते। सही है कि गलत? और किसी मनुष्य के हाथ में पुष्प पड़ जाए ना, पुष्प रोता है कि चलो मेरा सत्यानाश निकाल देगा ये आदमी, लेकिन कोई मधुमक्खी भ्रमर आकर पुष्प पर बैठ जाए ना, पुष्प खिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा रस ले लेगा सार, और मुझे क्षति नहीं पहुंचाएगा। कोई भी भ्रमर पुष्प पर बैठता है तो उसका पराग रस ले लेता है, और उस पुष्प की पंखुड़ियों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाता, राइट? आप देखे होंगे ये सब जीवन में, हमारे तो बाग लगे हुए हैं यहाँ राधा माधव। तितलियां बैठती है, बटरफ्लाई बैठती है, भंवरा बैठता है, मधुमक्खी बैठती है, और पुष्प का आनंद लेती है, रस लेती है, लेकिन पुष्प को कोई क्षति, और हम बाजू में से निकल जाए तो पुष्प भी कम कपाते कि कहीं छू न ले हमको, सत्यानाश कर देगा हमारा, डरते बेचारे। मनुष्य की तो ये पहचान है। इसी तरह भागवत प्रेम रस का पुष्प है, राधा माधव के चरणों की पराग रस इसमें है, और कोई सखिया इस परंपरा में आने वाले वैष्णव आचार्य, ये भ्रमर है सारंग, जो इसका पराग रस ले लेकर अपनी टीकाओं में हमारे लिए रखा है। जैसे वो मधुमक्खी रस लेती है लेकिन उसका मधपूड़ा बनाती है ना, उसके बाद उसको उड़ा के हमको मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिल सकता हम, क्योंकि वो का हमारी योग्यता नहीं, वो हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं, कर्ण पाटव की समस्या है। इसलिए भक्तों, इन आचार्यों का आश्रय,
वृंदावन वाले भक्तों को पूछा जाए कि श्रीमद शब्द के पीछे जो भागवत के आगे लिखा है और उसमें दशम स्कंद और उसमें कृष्ण लीला और उसमें रुक्मणी विवाह की आप चर्चा करने बैठे हो, बहुत दूर है, मूल से पहले चलो, क्योंकि श्री ही रुक्मणी है, श्री ही राधा है। और रोज आप बोलते हो श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, नरोत्तम दास ठाकुर के शब्द का गुरु के आगे श्री लगाने का भी कारण यही है। परंपरा से हटके बात ना करें लेकिन प्रचलित है हनुमान चालीसा आज वैष्णव अन्य संप्रदायों में, जिसमें हनुमान चालीसा का सूत्र है श्री गुरु चरण सरोज रज, रामानंदी साधुओं में वहां पर भी श्री गुरु लगा है। हम लोग भी श्री गुरु चरण पद्म गाते, कोई भी पूजनीय, लेकिन वहां पर श्री केवल आदर के लिए सम्मान के लिए है, इतना ही है, नहीं, ये तो कॉमन है, इतना ये तो होता ही है। लेकिन आचार्यों ने इसके इनका एनालाइज किया कि श्री मतलब राधा, वृंदावन में बरसाने जाते तो राधा रानी का दर्शन करने जाते नहीं, कहते क्या कहते, श्री जी के दर्शन के लिए जाते। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सीता, तो श्री गुरु मतलब हनुमान जी को अगर प्रार्थना की जा रही है तो हनुमान जी सीता जी को गुरु मानते हैं। अशोक वाटिका में गए थे ना रामायण की कथा में, तो सीता जी ने उसको दीक्षा दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, वो काम करने राम की अंगूठी मैसेज लेकर गए और प्रणाम किए, तो सीता जी ने उसको वरदान दिया अष्ट सिद्धि नव निधि सब तुझे हो जाएगी और अजर अमर तू कभी मरेगा नहीं चारों युग पर, सब सीता जी का ये। तो सीता जी हनुमान जी के लिए क्या है, उनकी गुरु है वो। तो वहां पर श्री गुरु चरण सरोज रज, हनुमान चालीसा की अगर हम बात करें तो श्री मतलब जानकी सीता, और सीता जिनकी गुरु है ऐसे हनुमान को हम प्रणाम करते हैं। और अगर हमारे परंपरा में हम बात करें श्रील प्रभुपाद को या रूप सनातन आदि आचार्यों को, तो श्री गुरु जब हम बोलते हैं तो श्री मतलब जिसने राधा रानी का आश्रय लिया है, क्योंकि गौर महंडे किसी भी साधु को मिलते थे यही कहते थे मेरे अभय को आशीर्वाद दो, किसका भगत बने, गोरी का, काले का नहीं, काले का तो हो ही जाएगा, आप थोड़ा ऊंचे मन से सुनिएगा, दोष मत निकालिएगा मैं लीला कह रहा हूं ना, खाली तत्व नहीं बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि काला भी गोरी का भगत है, इसलिए जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये तो सिद्धांत सार हुआ। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हई बे राधार दासी, यहां पहुंचना है हमें, हम लोग तो दास में भी अटके पड़े हैं, अभी दासी की तो बात ही छोड़ दो, हमें राधा कैंकर्य चाहिए, राधा सखी अनुगत्य चाहिए, जो हमारे गौड़ीय धारा का लक्ष्य है, और हमारे आचार्य वो है सब, और वो सुख राधा रानी से भी बढ़ के है। ध्यान दीजिए अनर्पित चरिम चिराग, कृष्ण राधा को कितना सुख मिलते वो लेने के लिए चैतन्य बने, लेकिन राधा कृष्ण बन के जो सुख मिलता है वो रूप सनातन को पता है, चैतन्य को भी नहीं पता। इसलिए तो नरोत्तम, इसलिए आप चैतन्य चरितामृत देखिए, स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु, लेकिन रामानंद राय से पूछते, क्योंकि रामानंद ललित विशाखा है वो जानता है, क्योंकि कृष्ण की सेवा करने में राधा को सुख मिलता है जो सुख कृष्ण को नहीं मिलता, कृष्ण को राधा बनना पड़ता है वो सुख, लेकिन राधा कृष्ण की दोनों की सेवा का सुख किसको पता है, सखियों को, जो राधा को भी नहीं पता। राधा को कृष्ण की सेवा का सुख पता है, लेकिन उसकी सेवा का सुख उसे कैसे मिलेगा, उसकी सेवा का सुख तो उसकी नीचे सखी को मिलेगा ना। पता नहीं आप समझ रहे कि नहीं, नहीं समझ रहे तो महामंत्र बोल दीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राधा रानी को कृष्ण की मधुरिमा देख के बहुत आनंद आता है, लेकिन राधा कृष्ण युगल जब मिलते हैं तो उसकी सेवा का सुख तो ललिता विशाखा सखियों को है, और उनकी सेवा करके ललिता विशाखा को जो सुख मिलता है उस सेवा का सुख कनक मंजरी रति मंजरी इन 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 मंजरियों को है। इसलिए सबसे बढ़ के नफे में ये मंजरिया है जो हमारा लक्ष्य है जीवन का। इसलिए श्री मतलब राधा, और राधा से जो युक्त है, श्रीमद् भागवत का मूल राधा है, और ये इसको गाने वाला शुकदेव भी उसी राधा का तोता है ये। लेकिन ये इतनी छुपी रूप में है कि लोग के पास पहुंच ही नहीं रहा है,
यहां तक कि श्रीधर स्वामी ने इस श्रीमद शब्द का अर्थ किया सुंदर, श्रीमद भागवते सुंदरे भागवते, क्योंकि श्री मतलब सुंदर, इसमें चरित्र भी सुंदर है, वस्तु निर्देश भगवान भी सुंदर है, इसमें जो वर्णन है भक्ति का वो भी सुंदर है, भागवत के शब्द अक्षर में रस सुंदरता भरी भरी है, इसलिए श्रीमद मतलब श्री मतलब जो सुंदरता से मद मतलब युक्त हो वो है श्रीमद। लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, क्योंकि आप सब लोग जाग रहे हो, नहीं तो मैं एक डेढ़ घंटा बोलता हूं ना कोई भी वो सो जाता है, लेकिन आप लोग जाग रहे हो इसलिए सुनो कि श्रीमद भागवत राधा रानी का भागवत है। ये धन किसका है? कृष्ण प्रेम, धन संपत्ति है कृष्ण की, लेकिन इसका अधिकार किसके पास है? राधा रानी के पास। आप सब अंदर की जानते हो, जैसे हमारे हमारे यहाँ गुजरात में राजस्थान में सेठ लोग होते हैं ना, एक बहुत बड़ा सेठ साहूकार था, उसके ऊपर लक्ष्मी जी की बहुत कृपा थी, धन संपत्ति कमाता था, घर में तिजोरी बनाया, जो भी रोकड़ा कैश आता था वो तिजोरी में रखता था, उसको लॉक करता था, फिर चाबी किसको देता था? सेठानी को। जो सेठ यहां होंगे उसको पता होगा, घर में पैसा कमाने जाता है, माल कमा, वो चाबी किसको देता है? पत्नी को। ऐसे ही कृष्ण सेठ है, उसका ही है सब, कृष्ण नाम रूप लीला ये धन सब किसका है? कृष्ण का। लेकिन उसके धन का अधिकार किसके पास है? सब कृष्ण ने किसको दिया है? राधा रानी को। और मनुष्यों की छोड़ो, उस सेठ का भी आप सुनो पहले, वो सेठ को भी जब चाहिए ना तो किसके पास मांगना पड़ता है? अरे भाई दे दे आप 2000 दे दे कुछ ये काम करना है, उसको भी उसका ही है लेकिन उधर मांगना पड़ता है। आप सबको पता है ये जो गृहस्थी चलाते हैं उनको, उसी का कमाया उसको दिया है, लेकिन उनको भी कुछ लेने जाना हो तो किसको बोलता है? अरे भाग्यवान थोड़ा 2000 निकाल दो, उसका माथा ठीक हो तो निकाल सकती है, नहीं तो दूसरा निकालेगी कुछ, अपना ही पैसा, लेकिन ये हालत है भिखारी जैसी सेठों की। लेकिन उस फिर भी उसको मजा आता है कि अपना मानती है ना, ये सुख है उसको, प्रेम है अपना, क्या करे। तो ऐसे ही सेठ को भी मांगना हो तो सेठानी से मांगना पड़ता है, ऐसे ही श्री कृष्ण प्रेम धन, कृष्ण नाम धन, कृष्ण रूप लीला धन, ये सब है परम पवन धन, लेकिन है किसके पास? राधा रानी के पास। और इसको भी चाहिए तो चैतन्य बनना ही पड़ा, इसको ही मांगना पड़ा है इसको। लेकिन मान लीजिए किसी दिन सेठानी का माथा घूम जाए, बावरी हो जाए और अटारी पर चढ़ जाए और तिजोरी खोल के ले लो भैया उड़ाओ, अगर सेठानी आउट ऑफ माइंड हो जाए पागल हो जाए और छत पर चढ़ जाए, तिजोरी खोल के रोकड़ा भी डाला, मणि का हार भी डाला, कुंडल भी डाला और नीचे भीख मंगे, लूटेंगे कि नहीं बताओ? सीधा बात है भाई, रंग का मिधी लूटने लगी। अब जो दिन भर मेहनत करके 1000-2000 भी नहीं कमाता, उसके हाथ में सीधा सोने का हार, योग्यता योग्यता किछु ना बिचारे, ये माथा घुमा हुआ है अभी कलयुग का। और सेठ आके देखे क्या कर रही है तू, तो हट जाए, तुमको भी उठा के डाल, अभी अभी मूड इसका खराब है, अभी सारा लुटाने में लगी है, मान ली, क्योंकि है तो अधिकार तो उन्हीं का है, उनको दिया भी था लेकिन उसको नहीं पता था कि ऐसे ही, और सेठ देखने लगे सब लूट रहे। जो कृष्ण अवतार में नहीं हुआ ना अनर्पित चरिम चिराद, ये यहां हो रहा है, ये है महावदान्यता। जो हम जैसे लोग जीवन भर साधन भजन करके भी कुछ न कमा सके, उन लोगों को गोलोक वृंदावन का प्रेम धन दे दिया, लूटो। इसको कहेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी कृपा की अटारी पर चढ़ जाए और हृदय की तिजोरी खोले, इसको इसको साहित्यिक भाषा में सुननी कि वो बावरी बनी हुई राधा रानी सेठानी जी, हमारे राजस्थान में तो गाते भी है, सांवरिया है सेठ मारो राधा जी सेठानी है, ये तो सारी दुनिया जाने, करे भक्ता ने राजी, इसका दूसरा कोई काम है भी नहीं उनको तो, और वास्तव में सेठ है ये, वृंदावन का चोर आदमी है, लेकिन हमारे गुजराती नरसिंह मेहता ने इसको सेठ बनाया, सांवरिया सेठ की, सेठ की शादी हो सकती ना, चोर की थोड़ी होती है, नरसिंह मेहता ने सेठ बनाया फिर रुक्मणी से विवाह, कोई सेठ बोले तभी तो विवाह होगा।
नहीं तो वृंदावन वाले तो चोर चोरी बोलते रह गए, चोर जार शिखामणि की उपाधि थी, लेकिन हमारे गुजरातियों ने सेठ बनाया इसको, द्वारिकाधीश की। शादी द्वारिकाधीश का हो रहा है ना भाई, सावरिया सेठ का हो रहा है, सेठ है, राजा है, द्वारिका सोने की द्वारिका का राजा है। तो शादी ब्याह के मंगन भी बहुत आते हैं, लेकिन ये भक्तों ने बनाया है इसको, और इसलिए इनका काम भी है भक्तों को राजी करना बनाना। लेकिन श्री जी की बात जहां पर हो रही है राधा रानी की, तो वो अपनी कृपा की अट्टाली पर चलकर हृदय की तिजोरी को खोल के कृष्ण प्रेम धन को लुटा रही है, और कृष्ण देख रहे हैं, लेकिन क्या मजाल की कह पाए, वो तो खुद खड़े हो गए कि हम भी तो राधाया प्रणय महिमा की दृश्यवान, ये बात इनको भी तो यही चाहिए था, और ये मौका अभी चल रहा है प्रभुपाद की कृपा से, ये बढ़ रहा है। इसीलिए पात्र पात्र विचार नहीं, और विचार न कुरुते, प्रबोधन जी लिखते पात्र पात्र विचार न कुरुते, स्व पर न दीक्षते, कौन अपना कौन पराया कुछ नहीं देखना है, जो हाथ में आया उड़ाना है इसको, बस डालना है। तो ये ब्रजवासी बंगाली बना है, लेकिन हृदय राधा का है, इसलिए करुणा सिंधु में करुणा जो है ना वो डबल हो गई है, क्योंकि करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, और इसीलिए महावदान्यता का गुण मिल गया है इनको, नहीं तो चोर की कहां ये औकात है। लेकिन ये महावदान्य सेठानी राधा रानी की कृपा है, और ये श्रीमद शब्द परम विचार कर रहे हैं कि इसी तरह भक्तो सुनोति आश्रित जनानाम दुखम, राधा रानी को श्री इसलिए कहते हैं कि अपने आश्रित जनों के दुख को सुनती है और उस पर विचार नहीं करती, क्योंकि करुणा में ही सरकार है। कृष्ण तो गीता का ज्ञान लेकर त्राजू लेके बैठते हैं कि भाई इतना है तो इतना दिएगा, इतना पुण्य चेक तो इतना मिलेगा, लेकिन राधा रानी वो नहीं देखती, वो क्या किया है उसको देखना ही नहीं, हमारे पास आया है इसको कृष्ण प्रेम धन लुटाना देना, ये प्रिय श्री जी का ये सहज काम है। तो श्रीमद ये जो राधा रानी गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ प्रेम में लीला व्यापार रस लूटती है, उसी को शुक ने देखा सुना समझाया है, और उसी राधा रानी ने कहा कि वैष्णव जगत को भूतल पर जाकर हे शुक तुम शुकदेव बनकर इस कृष्ण प्रेम धन को भागवत के रूप में वर्षा करो बांटो। श्री सुखदेव गोस्वामी की ग्रंथ राशि में भागवतम की, और इस लीला रस को लूटने के लिए भक्त की क्या छोड़ो, भगवान भी तरसेंगे, चाहे परशुराम हो चाहे नारद व्यास हो, सब भगवत अवतार ही है, ये लोग भी इस रस को लूटने के लिए आगे 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 बैठ जाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं इस रस को, पहचानते इस रस को। तो आज हमने क्या सुना, श्री मतलब राधा। देखो हम वृंदावन वालों का एक स्वभाव है, और ये मायापुर भी वृंदावन अभिन्न है, और मायापुर स्थिति व्रजतार कर स्थिति ऐसा लिखा है आचार्यों ने कि जो मायापुर जिसके जो मायापुर में वास करता है वृंदावन तो उसके बाएं हाथ में आ जाता है, अभिन्न है ही नहीं। लेकिन वृंदावन वाले तो सर्वत्र कृष्ण की दृष्टि होता है ना, सखियों की सर्वत्र राधा की दृष्टि होती है। जैसे भगवद गीता का सार क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इस श्लोक को आपने बहुत बार बोला घिसा पीट कर दिया। अब देखो विचार करो इस पर, भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म संस्थापनार्थ आया, धर्म की स्थापना के लिए आया, और वो कह रहे हैं कि धर्म छोड़ो, जो आदमी धर्म की स्थापना करने के लिए आया उसको क्या कहना चाहिए, अधर्म छोड़ो। ये क्या कह रहा है, कोई भी व्यक्ति चक्कर में आएगा कि नहीं, धर्म की स्थापना करने हुए आया अवतार सबको क्या कह रहा है, सब धर्म छोड़ो। तो भैया अवतार क्यों लिया तुम, धर्म ही अधर्म छुड़ाना चाहिए। गीता बड़ा गुह्यतमम शास्त्र है, वो इसको साइड में इस बात का हमें रहस्य उद्घाटन नहीं करना, हमें राधा की और श्री की बात चल रही है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे सारे शास्त्रों का सारे भक्ति, भक्ति का सारे शरणागति, भक्तिनाथ ठाकुर कहे ना यही तो बात, सिखाए शरणागति भगवतेर प्राण, यही तो सार है। तो भगवान कह रहे हैं कि माम एकम शरणम व्रज। देखो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं,
परात्पर परब्रह्म जगत गुरु का कार्य गीता सुनाने का कर रहे हैं, वेदों उपनिषदों का सार, लेकिन व्रज को नहीं भूल रहे। माम एकम, मतलब व्रज में आओ, यही मेरी शरण है। व्रजमंडल परिक्रमा की, भगवान कह रहे माम मेरी शरण में जाओ। कहां जाओ? व्रज। मतलब व्रज शब्द का अर्थ है व्रजति, मतलब जाओ, गच्छति, लेकिन व्रज वृंदावन को भी कहते। तो मतलब माम एकम, मतलब जो वृंदावन में जाता है, वृंदावन को चाहता है, वृंदावन में रहता है, वही भगवान की शरण में है। क्योंकि भगवान का धाम वृंदावन और भगवान में कोई, तो माम एकम शरणम व्रज है। लेकिन एक और बात सुनिए, इसके आगे कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम, तो मामेव बोला है ना कहीं तो गीता में। एव शब्द क्यों यूज होता है? आप सब निश्चयता के लिए, अवश्यता के लिए। माय मेरी ही, मेरी भी नहीं, मेरी ओनली फॉर मी। तो अच्छा, यहां पर उधर उधर माया को छोड़ाने में बोला मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है, वही भाव है ना वही भी। तो यहां भी बोल सकते थे मामेव ये प्रपद्य, मामेव शरणम व्रज। देखो व्याकरण से भी कोई गलत नहीं था और अर्थ में भी यही अर्थ होता था, मामेव का और माम एकम का। आप समझ रहे, माम एकम बोलो चाहे माम एवं बोलो, अर्थ भी एक ही होता है, भाव भी एक ही होता है, व्याकरण से भी कोई शब्द में घटबड़ नहीं हो रही है। तो फिर भगवान यहां माम एवं शरणम व्रज न कह के माम एकम शरणम व्रज क्यों कह रहे? अब बताओ कहां से कहां, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। माम एकम, तो एक अर्थ इसका बताया कि माम एकम मतलब मेरी एक ही है और वो है राधा, और उसकी शरण में जाओ। माम एकम शरणम व्रज, बोलो राधा रानी की जय। जय श्री राधे। मतलब भगवान कहते मेरे लाखों करोड़ों भक्त हैं, लेकिन मेरी अलादीनी, मेरी प्राणेश्वरी एक है, माम एक। और तस्य चरणम व्रज मतलब राधिका चरण रेणु आश्रय करियद अनायासे पाए गिरिधारी। अब देखो श्रीमद श्री जी की बात हो रही, और वही राधा कृष्ण के साथ जब होती है वही अपना एक्सपांड करती है सखियों के रूप में, वही अपना एक्सपांड करती है वैकुंठ में लक्ष्मियों के रूप में, वही अपना विस्तार करती है द्वारिका में रुक्मणी सत्यभामा आदि महिषियों रानियों के रूप में। वृंदावने सा राधा द्वारिका सुरुक्मणी, स्कंद पुराण। जो वृंदावन में राधा है वही द्वारिका में एक काय व्यू अवतार लेकर रुक्मणी बन के कृष्ण को अनुकूल भाव में पत्नी रस दे रही है, पति रस ले रही है। वहां प्रिया रस, प्रियतम रस, यहां पत्नी। पत्नी प्रिय होती है, प्रिय पत्नी नहीं होती है, बहुत अर्थ है। पत्नी हो और प्रिया हो ये दोनों नहीं भी होता है और होता भी है। कोई पत्नी होती है लेकिन प्रिय नहीं होती, कोई हो सकता है प्रिय हो पत्नी ना हो, हो सकता है प्रिय और पत्नी दोनों हो, तो हो सकता है प्रिय और पत्नी कुछ भी ना हो। अपना अपना मूड कैसा है उसके ऊपर है। तो यहां पर श्रीमद मतलब जो राधा रानी की कृपा भक्ति से युक्त प्रेम भक्ति रस देने वाला, और वो है भागवत। भाति सर्व श्लोकेशु गीयते नारदादि भी, जो सभी लोकों में सौंदर्य से गरिमा से श्रेष्ठता से प्राप्त है, और नारद शुक महादेव आदि ऋषि मुनि के द्वारा जो गाया गया पूजा गया माना गया ग्रंथ है, और वर्तते सर्व शास्त्रेशु, और जो सारे शास्त्रों में भी जो सर्वत सत्ता श्रेष्ठता प्राप्त करता है, तरंती भव सागरात, जो भागवत पढ़ेगा वो भव सागर से तर जाएगा। ये चार शब्द आ गए, भाति सर्वशास्त्र भव और भाति, ग गीयते नारद आदि भी, व सर्वशास्त्रेषु विस्तार, और त तारयते भव सागरात, मतलब भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से तत्व से युक्त है ये श्रीमद भागवत। विष्णु पुराण में आया है श भ शब्द कीर्ति वचनो, ग शब्द ज्ञान वाचक,
सर्वेष्टि वाच्य तत्स्तारक। ये भागवत शब्द का डेफिनेशन पराशय मुनि ने वहां पर भी दिया है हम भक्तों को। और सार वस्तु, जैसे मान लीजिए किसी सोने की गोल्ड की दुकान में आप जाओ, सोना सबको पसंद है ना, चाहे गोल्ड हो चाहे स्लिप हो, सोना। लेकिन हमारे यहां सोना और गौरांग हेमांग है, ये सोना प्रिय होना चाहिए, इन गोल्डन इनकार्नेशन, गोल्ड सबको प्रिय है। लेकिन मान लीजिए किसी गोल्ड की दुकान में जाओ, हजारों हार पड़े, हजारों बेंगल्स पड़े, कुंडल पड़े, लेकिन कोई महारानी पूरे राज्य की साम्राज्य की सत्तावान अधीश्वरी हो और वो वहां दुकानदार के पास जाए और बोले मेरे लायक कोई हार बताओ, तो वो अपना मणि रत्न जड़ित करोड़ों लाखों रुपये का, जो किसी के लिए शो में नहीं रखता है, वो अंदर से निकालेगा, क्योंकि उनके लिए स्पेशल आदमी फॉर स्पेशल वस्तु। इसी तरह भगवान व्यास की इन शास्त्रों की दुकान में वैष्णवों के लिए श्रीमद् भागवत में भी सबसे मणिमय वस्तु है, वह शरणागति, वह भक्ति जो रुक्मणी ने ली है। रुक्मणी पत्र में क्या करती है, कृष्ण की क्या ले रही है, शरणागति ले रही, अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर रही है, जो भागवत का सार है। तो सारे शास्त्रों में भागवत गोल्ड है, लेकिन उस गोल्ड की दुकान में, उस भागवत में भी सार क्या है, भक्ति शरणागति, ये मूल वस्तु है, जो मूल हार जो व्यास जी हमको देना चाहते हैं। और भक्त सब कुछ हो, भक्ति ना हो तो क्या फायदा, मंडनम लोक रंजनम। भक्ति ही ना हो, भक्ति दुल्हन है, शादी की बात हो रही है, श्रीमद् भागवत में भक्ति दुल्हन है, मेन हीरोइन वो है, बाकी सब उनके लिए है। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह की एक दुकान पे एक बोर्ड लिखा था, जिसमें लिखा था कि विवाह के लिए जो भी आवश्यक वस्तु सामग्री है यहां मिलेगी। क्या लिखा था, विवाह के उपयुक्त तो जो भी वस्तु सामग्री है यहां मिल, मतलब वो कैटरस वाला था, सोफा मिलेगा, गद्दा मिलेगा, लाइट मिलेगा, शादी ब्याह में जो तुमको चाहिए, स्टेज बना, जो भी चाहिए ना, बहुत कुछ चाहिए। तो एक व्यक्ति गया अंदर, बोर्ड पड़ा शादी ब्याह के लिए जो भी वस्तु चाहिए यहां मिलेगी, अंदर गया, दुकानदार बोला क्या चाहिए, बोले दुल्हन दिखाओ, लड़की दिखाओ। उसका माथा घूम गया, बोले क्या बोल रहा है तू, बोले तुमने लिखा ना शादी ब्याह के लिए जो भी वस्तु व्यक्ति चाहिए मिलो, तो टेबल कुर्सी बोला, बोले ऐसा कहा, शादी में मेन तो दुल्हन है, वही नहीं है तो टेबल कुर्सी क्या करना है हमको, खाना है क्या, शादी में मेन तो दुल्हन है, वही तेरे पास, दुकान बोर्ड बोर्ड नीचे होता, दुकान में ताला लगा, गलत बोर्ड लगाता है। अब देखो ये भी मिला था और बेचारा सही बोल रहा है, तूने लिखा कि शादी के लिए सब मिलेगा, तो शादी में मेन तो दुल्हन है और वही तेरे पास है नहीं, तो टेबल कुर्सी क्या, खाना है, दुल्हन है तो टेबल कुर्सी चाहिए, वही नहीं है तो क्या करना। ऐसे ही इतना शास्त्र, इतना सब कुछ हो रहा है, साधना स्वाहा स्वाहा, मूल वस्तु दुल्हन है, भक्ति विद्या वधु जीवनम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। अब वही नहीं है तो क्या करे भाई, यूजलेस, चाहिए ही नहीं हमको, मूल वस्तु की कमी ना होनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद की परंपरा से जब यथार्थ आचार्यों के अनुगत्य में, वैष्णवों की सन्निधि में, भागवत के बीच में जब भागवत पढ़ेंगे ना, तब इसके असली रस को, तत्व को, लीला को हम आस्वादन कर पाएंगे। और ये आस्वादन करना हम वैष्णवों का सबसे बड़ा धन है, जो हमें करना भी है और बांटना भी है, जिससे व्यक्ति इसी कलिकाल में, इसी संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रह सकता है। लिप्यंतसे न पापे न पद्मपत्र इवांभसा, ये स्थिति भागवत ला सकती है। हम लोग की भी यही स्थिति है। एक शब्द मैं आपको देता हूं, शायद आपकी डिक्शनरी में नया होगा, पद्म प्रकृति। पद्म, ये गीता का श्लोक है ना, पद्म पत्र पद्म प्रकृति, हम लोगों की भी यही दशा है, पद्म प्रकृति है। प्रकृति मतलब स्वभाव, नेचर, कमल जैसा। अब देखो कमल की पॉजिटिवली बात बहुत सुनी होगी आपने, हम एक अलग एंगल से इसको मैसेज देना चाहते हैं।
पद्म कहाँ होता है? पानी में, कीचड़ में, बराबर। कीचड़ में ही, पंख में ही जन्म लेता है कमल, और उस पंख, उस पानी से उसका पोषण होता है, पानी से ही उसको, और इस पंख से ही जिसका पोषण हो रहा है, पंख में ही वो खड़ा है, पंख मतलब वो कीचड़ में ही वो जन्मा है, फिर भी उस कमल को सावधानी क्या रखनी है कि कीचड़ को छूना नहीं है। कीचड़ में रहे, मान लीजिए कीचड़ का एक छिटका भी उसके ऊपर आ जाए तो लोग उसको छुएंगे नहीं, उसकी सुंदरता भी लेंगे नहीं। कमल को, अब कमल की समस्या यह है कि वो कीचड़ को छू भी नहीं सकता और कीचड़ को छोड़ भी नहीं सकता। जितने फंसे हैं ना संसार में उनकी यही दशा है, और इस्कॉन में भी यही दशा है हमारी, छोड़ भी नहीं सकते। देखो आप समझ में आ रहा है, संसार हम लोग संसार छोड़ के भाग तो नहीं सकते, उसी से तो चल रहा, क्योंकि आवश्यकता है। और फिर उसके उसके राग में, द्वेष में, काम में फंसना भी नहीं है, है ना, पानी में रह के मगरमच्छ से बचने की बात। पद्म प्रग, हम लोग को संसार में ही रहना है, संसार से हमारा पोषण हो रहा है। गृहस्थ जीवन सामान्य नहीं है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा है, यथा सर्व जंतेषु वायुस्तम समाश्रितम वर्तन्ते समाश्रित, जैसे सबको वायु चाहिए तथा सर्व आश्रमाणाम गृहस्थ एवं वर्तन्ते। कोई भी आश्रम हो, संन्यास हो, चाहे वानप्रस्थ हो, निर्भर किस पर है? प्रचार करने भी वहां जाना पड़ेगा, भिक्षा मांगने भी वहीं जाना पड़ेगा, आश्रम चलाना भी वहीं जाना पड़ेगा। वायु जैसे सबका आश्रय है, ऐसे गृहस्थ भी सभी आश्रमों का आश्रय है, और वो वही ठीक ना हो तो सबको बिगाड़ देगा। गृहस्थ आश्रम अगर शुद्ध नहीं होगा तो ब्रह्मचारी बिगाड़ देगा, सन्यासी बिगाड़, क्योंकि सब वहां है कनेक्ट सब। आज समझ लो, ऐसा जरूरी नहीं है 7 दिन है हमारे पास। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम। मैं इसलिए कुछ बातें बताता हूं कि जब हम वैष्णवता के स्तर पर, प्रेम भक्ति के स्तर पर देखते हैं ना, तब जाति बुद्धि या ये गृहस्थ वैष्णव ऐसा सब दुर्भाव वैष्णव में नहीं करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी हमें वो भी अहम आता है कि हम साधु है, हम ब्रह्मचारी, हम वन्य, उससे मतलब नहीं है। गोपीर भरतु पद कमल यो दास, दासानुदास से मतलब है भाई, वो हमारी मूल के ही हम चुक न जाए, नहीं तो फिर अपराध में फंस के हम अपना पतन करा देंगे। उद्देश्य यह है बात बताने का, प्रेम की महत्ता है जहां पे आप जाओ। इसलिए श्रीमद् भागवत की चर्चा हो रही है तो बहुत कुछ लिखा गया है भागवत की उसमें भी, लेकिन भागवत का सार भक्ति, भक्ति का सार शरणागति है। और रुक्मणी प्रसंग में हमें एक विशेष बात मिलती है कि सबको तिलांजलि देकर, यहां तक एक उस समय में रुक्मणी ने जो द्वापर युग में पत्र लिखा ना, उस समय में मर्यादा, कुल, धर्म एक शिखर पर था। अभी तो कॉमन हो गया है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय पत्र लिखना, ये मृत्युदंड प्राण सबसे बड़ा कलंक वाला बात था उनके लिए। फर्स्ट लव लेटर कोई लिखा ही नहीं है, शी इज द फाउंडर आचार्य ऑफ लव लेटर। कमाल, और सबने सराहना किया, यहां तक कि विरक्त लोग जो शादी से करोड़ों किलोमीटर दूर रहते, चाह भी नहीं है स्वप्न में भी किसी स्त्री की, वे नारद और वे सुखदेव भी इसी प्रेम पत्र की चर्चा कर रहे हैं गंगा तट पर बैठे, क्योंकि ये प्रेम है। भक्तों को प्रेम की चर्चा की मना नहीं है, काम की मना है। इस संसार में जो है ना वो काम है जिसकी मना है, प्रेम की कहां मना है? ये तो विशुद्ध प्रेम है, यही प्रेम तो हमें पाना है। यही प्रेम को हमें पाने के पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जिसने प्रेम किया है समझा है, उन्हीं का आश्रय लेकर समझना पड़ेगा। क्योंकि हम वैरागी है, उसमें अनुरागी के साथ वैराग्य की महिमा है। राग बुरा है, लेकिन वो राग अनु हो तो अच्छा है, अनुराग अच्छा है। किसी वैष्णव का शास्त्र का अनुगमन राग करे तब तो रागा नुगा हो जाएगा, वो तो सिंगार हो जाएगा उनका। और वैराग्य में और त्याग में भी अंतर है, एक ही ऐसे छोड़ना है, लेकिन हमारे आचार्यों ने कुछ कुछ विश्लेषण दिया है। एक एक सरलता में एक साधु बता रहे थे कि दिमाग से छोड़ दो
तो त्याग है, दिल से छोड़ दो तो वैराग्य है। छोड़ दो, छोड़ना पड़े वो त्याग है, छूट जाए वो वैराग्य है। कुछ बातें हैं, छोटी बातें हैं लेकिन समझने लायक। और हमारे वृंदावन के एक मित्र हमें याद आ रहे, वो कह रहे थे प्रभु जी आजकल तो सभी भक्त मेरे मित्र में देख रहा हूँ कि सब वैरागी बन रहे। तो मैंने कहा मैं भी तो आपका मित्र भक्त हूँ। बोले हाँ आप में भी मैं वैरागी देख रहा हूँ। तो मैं थोड़ा खुश हुआ, सच बोलो दिल से आनंद आया कि हमें प्रशंसा तो अच्छी ही लगती है। बाहर से हम करते रहने दो, अंदर से जाते और एक दो बोल दो थोड़ा लेकिन बाहर से तो कहते नहीं 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 प्रभु जी ऐसा। उसने कहा प्रभु जी सब मैं देख रहा हूँ, सब में वैरागी बढ़ रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ क्या वैरागी क्या? बोले उसने अलग अर्थ किया, बोले वैर प्लस आग, जिसमें वैर और आग ज्यादा हो वो वैरागी। मैंने कहा तो बंद करो भाई, वो इस तरह बोल रहा था वैरागी। बोले मैं देख रहा हूं कि आप में बहुत वैरागीता है, मतलब सच के बदी वैर ही बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों में आग ही क्रोधी आ रहा है आप में, तो आप तो वैरागी हो। मैंने कहा ऐसा वैरागी नहीं बनना हूं। जो राग से वही उपराम चला जाए, भौतिक विषय आसक्ति से जो मुक्त हो जाए, अनासक्त असंग और अति जन संसर्दी गीता के सूत्रात्मक बातों में, तो वो है असली वैराग्यता। और वो वैराग्यता कोई ओढ़ने वाली चादर नहीं है, किसी से बोरो लिया जाए उधार पे वो तो निकल जाएगी, छूट जाएगी। ये अंदर की लगने वाली आग है जो कृष्ण के लिए तड़प निकले। फिर वो युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, ये अनुराग के साथ वैराग्य शोभा देता है। और फिर महाप्रभु राधा भाव में कहते मात मत नाथस्तु प्राण तो न अपर दूसरा ने, वही बात रुक्मणी लिखती है कि पति बनाऊंगी तो आपको 100 जन्म लेना पड़े, जितना व्रत करना पड़े करूंगी, लेकिन कोई दूसरा मेरा पति नहीं बन सकता। लास्ट लव लेटर का लास्ट श्लोक ये है, ए अंबुजाक्ष न लभे ये तब प्रसाद, हे कमल नयन अगर आपने मेरा पाणी ग्रहण नहीं किया, जय्या मसून मैं प्राण त्याग दूंगी, स्वत व्रत करूंगी, नियम करूंगी, एकादशी रहूंगी, मंगला आरती जाऊंगी, गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी, संकीर्तन पार्टी ज्वाइन कुछ भी करूंगी, 100 जन्म भी करना पड़े पति तो आपको ही बनाऊंगी। देखो क्या निष्ठा है। और भगवान ने ये श्लोक पढ़ के उसी समय रात में 12:30 बजे श्लोक खत्म हुआ था। रात में ब्राह्मण पढ़ते पढ़ते पहुंचा, प्रसाद लिया, आराम किया, फिर लेटर पढ़ा तो रात को 12 बज गया। भगवान ने कहा मंगला आरती तो अभी ससुराल में होगी, अमरावती में, द्वारिका में नहीं। उसी समय रात में चलाया रथ, दारू को बोला रथ चला। रात में जैसे लेटर बैंड किया सीधा रथ पर, और सुबह होते होते तो मंगला आरती में तो रुक्मणी के पास पहुंच गए। प्रभु जी क्या त्वरा है, लिखा था ऐसा तो कलेजा रख दिया था अपना पत्र में, वो प्रेम था, वो शब्द प्रेम था जो शब्द का रूप लिया था। इसलिए गंगा से भी निर्मल ये वाक्य है, और उसमें भी शुक मुख के अमृत बन गए, इसलिए सारे ऋषि मुनि उसको लूट रहे, सुनने के लिए लोलुप है। और प्रभुपाद की परंपरा से हमें भी ये 7 दिन मौका मिलने वाला है इन श्लोकों का अर्थ रस भाव लेने का। और इसके प्रति जिसने आयोजन किया, विचार किया, योगदान दिया, वो सब रुक्मणी जी की और द्वारकाधीश की कृपा के पात्र बनेंगे। जो कुछ भी मन लगा के करेंगे तो निश्चित रुक्मणी जी या द्वारकाधीश उस पर अनुग्रह करेंगे कि वो लालसा, वो शरणागति, वो समर्पण, वो धैर्य निश्चयता, मत प्राण ना आप ही, वो भाव कुछ ना कुछ प्रसादी में हमको रुक्मणी मैया का मिलेगा। आशा है, और इसी अभिलाषा से उच्चारण श्रवण कीर्तन करने का हमारा प्रयास है। और वैसे भी भगवान का विवाह मंगलम, सबके आनंद के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए, ऋषि मुनियों का जो सर्वस्व प्रेम धन है, शुक मुख के ये भागवत कृष्ण रुक्मणी विवाह मंगलम, जिसकी बहुत सारी अलग अलग एंगल से विशेषताएं तो है ही है, साथ साथ में संदेशात्मक बातें हैं, प्रेरणा देने वाली साधना में, और साथ में पूर्ण जो हमारा लक्ष्य है या गोल है उसको भी निर्धारित करती है। तो समय समय पर रुक्मणी के शब्दों का जब उच्चारण श्रवण कीर्तन होगा तो गुरु वैष्णव कृपा से जो भी स्मृति में आए मैं आपके
चरणों में रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज हमने इस प्रसंग को केवल एनालाइज किया बाहर से, भागवत को, चैतन्य चरितामृत को, प्रभुपाद को, या भक्ति सिद्धांत जो भी हमने बोला, याद किया, हाँ ये केवल इंजन गर्म किया बस, गाड़ी नहीं चलाया अभी मैं ये थोड़ा हमारा देसी इंजन है, गर्म होने में टाइम लगता है, तो इसको है ना, ये पुरानी गाड़ी होती तो ऐसे ही होता है ना, गर्म करना पड़ता है उसको, तो आज तो हम केवल गर्मी पकड़ा रहे हैं थोड़ी। और लेकिन श्रीमद् भागवत मूल है हमारा और शुक मुख मूल है, तो शायद जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं पता, मैं देखा ही नहीं बोर्ड भी ध्यान से, 4 से 7 टाइम है हम लोग का कि 6:30 क्या टाइम है, 4 से 7 टाइम है, तो ओके मेरी घड़ी के अनुसार 6:45 हो रहा है, तो मैंने इतना गड़बड़ बोला 1.5-2 घंटा, उसको मैं सुधारना चाहूँगा शुकदेव जी के मूल श्लोक बोलकर, जो काम शुरुआत में करना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम घर वापस आ जाए तो भूला नहीं है, तो उस गलती को हम सुधार ले, शुक मुखात। मैंने तो सब आगे पीछे का बोला, बीच का सब बोला, अभी हम शुरुआत करें प्रसंग की, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रसंग ही शुरू ना हो, इसलिए मैं केवल श्लोक बोल के उसका अनुवाद करके इस प्रसंग को हमने शुरू कर दिया, श्री गणेश कर दिया, और फिर परीक्षित प्रश्न पूछेंगे तो उसके विस्तार में शुकदेव जी थोड़ा विस्तार से बताएंगे, नहीं तो 2 श्लोकों में रुक्मणी हरण, रुक्मणी मंगलम, रुक्मणी विवाह बोल दिया, लेकिन परीक्षित ने ऐसा प्रश्न पूछा कि प्रभु जी इतना फास्ट फास्ट क्यों भाग रहे हो, तक्षक तो अभी परसों आने वाला है, तो थोड़ा विस्तार से सुनाओ, तो फिर पूरा पत्र, अगर परीक्षित नहीं पूछते ना तो लव लेटर मिलता ही नहीं, बोलो। ये तो परीक्षित ने पूछा कि ऐसे भागो मत महाराज, हमको बताओ कि हमने भी सुना कि कृष्ण ने राक्षस विधि से रुक्मणी को उठा के भगाया, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसको इतनी क्या जल्दी थी शादी की, अगर आप मुझे योग्य पात्र समझते हो, और कृष्ण कथा कृष्ण कर्म दिव्य है तो कुछ तो विशेषता होगी, तो मैंने ऐसे भी सुना है, लेकिन दाट जानी पूछी लागे साधुर स्वभाव। आप जैसे शुकदेव मिले हो तो आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि दाल तो सब बनाते हैं, लेकिन किसी के हाथ की दाल, किसी के हाथ का कुछ विशेष होता है ना, तो शुकदेव आपके मुख से जो कथा है वो एक अलग रस है, वो एक अलग आनंद है, इसलिए प्लीज आप अपना समझ के अनुग्रह करके हमको थोड़ा विस्तार से सुनाइए, तब शुकदेव जी विस्तार से सुनाएंगे। लेकिन जो शुकदेव जी ने 2 श्लोकों में बता दिया विवाह, वो आज हम पूरा कर लेते, मतलब शुरुआत कर लेते, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 52 52वां अध्याय और श्लोक संख्या 16। 16 कला का अवतार है ये, 16 हमेशा 16 वर्ष की आयु में ही नित्य नव यौवनम है, तो युवान हो जाए फिर तभी तो शादी होगा ना, तो 16वां श्लोक संख्या है, भगवान अपि गोविंद उपमेये कुरुद्वः वैदर्भी भीष्मक सुताम श्रियो मात्रा स्वयंवरे प्रमथ्य तरसाराग्य शाल्वादिंचेद्य पक्षगान पश्यताम सर्वलोकानां ताक्षपुत्र सुधा इव श्रीराजो उवाच भगवान भीष्मक सुतां रुक्मणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम् भगवान् श्रोतृमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजस यथा मागद शाल्वादीन जित्वा कन्या उपाहरत् ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्या
माधवीम लोक मलापहा को नु तृप्येत शृणवान् श्रुतज्ञो नित्य नूतना। श्री शुक उवाच राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्येका च वरानना रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनंतर रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिणी येषां स्वसा सती। तो हमने 7 श्लोकों का उच्चारण किया, जिसमें 2 श्लोकों में सुखदेव जी ने भगवान की कथा बता दी विवाह की, 3 श्लोकों में परीक्षित ने प्रश्न पूछा, और फिर उसका जवाब देते हुए सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में उनके परिवार का, पिताजी का नाम, गांव का नाम, भाइयों का नाम, रुक्मणी का परिचय दिया। मतलब कथा चालू हो गई, प्रश्न पूछे गए और चालू हो गई, संस्कृत में, सुख शब्दों में, अब अपनी भाषा में, और इसके आचार्यों के अर्थ भाव अनुसार हम विस्तार को सुनने का 7 दिन प्रयास करेंगे। और इस रुक्मणी मंगलम में भी शुरुआत और अंतिम, वो एक एक दिन काफ़ी है, मध्य के दिनों में मुख्य विषय है हमारा इसी 52वें अध्याय का 37 से 7 श्लोक, जो रुक्मणी उवाच, वो ब्राह्मण पढ़ रहा है, रुक्मणी का प्रेम पत्र, रुक्मणी का प्रेम पत्र, जिसमें रुक्मणी लिख, कल से इन 7 श्लोकों को गाया जाएगा और उनके अर्थ भाव साथ में चैतन्य चरितामृत सिद्धांत जो भी स्मरण में आए उनकी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने पहले बलराम जी के विवाह की बात बताई कि रेवती के साथ उनका विवाह हुआ था, और दाऊ दादा के बड़े भाई का विवाह की चर्चा पहले होनी चाहिए, और विवाह की चर्चा भी सुखदेव जी ने पहले नहीं की, पहले भगवान को घर का घर, सोने का द्वारिका बनाया बसाया, वो महिमा की, क्योंकि बिना नौकरी किए बिना घर लिए शादी की बात चलाना ठीक नहीं होता आदमी के लिए। तो सुखदेव जी ने बहुत सुंदरता से कृष्ण चरित्र गाया, उन्होंने वृंदावन में कृष्ण चरित्र गाया कि पूतना आई, तृणावर्त आया, अघासुर आया, बकासुर आया, ये जितने भी असुर आए कृष्ण ने उसको मारे, विनाशाय च दुष्कृता, गोचारण, माखन चोरी, मुकुटमणि, जय जय रासलीला, ये सब लीला का सार बेसमेंट क्या था, गोचारण लीला, वृंदावन विहार लीला। और उसका वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा कि जितने भी क्रूर थे, क्रूर, उसको कंस ने भेजा तो कृष्ण ने मारा। तो कंस ने सोचा कि अभी क्रूर से काम नहीं बनेगा, अक्रूर को भेजो, क्रूर काम में नहीं आए तो किसको भेजा, अक्रूर को, कि जो आदमी क्रूर नहीं है वो काम कर सकता है, तो क्रूर को भेजा, तो अक्रूर, जो अक्रूर को भेजा, अक्रूर कृष्ण को साथ लेके आया, और जैसे ही साथ में आया तो कंस का नाम आधार कार्ड से कट गया, बेचारा यद गतवान निवर्तनते गोविंदाय नमो नमः हो गया, राधे राधे हो गया कंस का। और न्यूज़पेपर में मैसेज आया कि भांजे के द्वारा मामा का मर्डर फ्रंट लाइन में, मथुरा में छप गया पूरा, तो सबको दुख लगा जो कंस पार्टी के थे उनको, लेकिन सबसे ज्यादा दुख ससुर को लगा, क्योंकि ससुर असुर था, कृष्ण का कोई कसूर नहीं था, ये ससुर असुर था बस। और वो ससुर बातें करता था कि कैसा भांजा है, साला मामा को मार दिया, लेकिन ये ससुर ये नहीं सोचता था कि ये मामा कितना भांजा मारा, अपनी गलती नहीं देखता। तो वो जो कंस की पत्नियां थी रो रही थी, विधवा हो गई ना अब तो, हाँ प्राप्ति आदि, तो पिताजी आए, बोले बेटी चिंता मत करो, तुम्हारे हमारे जमाई को मारने वाले को मैं मारूंगा,
और फिर वो लड़ने आया, लेकिन कृष्ण दाऊ दोनों बाहर आए मथुरा से, और एक ने हल चलाया एक ने हाथ चलाया हलधर गिरिधर दोनों है, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। सारे मथुरा के यादव को बोला, तुम लोग पार्टी करो, भोज भात करो, हम लोग मामा को जो काम किया है ससुर को भी मामा के पास भेजते हैं। दाऊ दादा का पक्का प्लान था, और दाऊ ने हल चला के सारी समस्या का हल कर दिया। अब बचा केवल ससुर, मामा का ससुर जो असुर था, उसको हल में पकड़ के दाऊ ने खींचा। तब तक कृष्ण ने कहा, ए भैया रुक जाओ, बोले इसको मत मारो। क्यों? बोले हम दोनों भाई विनाशाय च दुष्कृता कहां दुनिया भर में घूमते रहेंगे, इनको छोड़ दो, ये सारे अपने जैसे पार्टी को इकट्ठा करके यहां आएगा तो घर बैठे काम हो जाएगा, मायापुर धाम में ही काम हो जाए, तो बाहर यात्रा क्यों करे। तो कन्हैया का प्लान दाऊ को अच्छा लगा कि भैया बातें छोटा है लेकिन बातें बड़ी बोलता है अच्छा दिए। तो इसको कहा कि जा भैया जा, अभी अब जो गीता का सूत्र है ना, चाकृदि मरणादि रिच्यते, सम्मानीय पुरुष का अपमान ही। तो जरासंघ तो मरने को जा रहा था कि बोले मर जाओ इससे, तो हार गया, इसने छोड़ दिया, मार देता तो अच्छा था, वो तो समुद्र में कूदने ही वाला था। लेकिन दो तीन उसके मित्र मिल गए, बोले महाराज कभी भाजप कभी कांग्रेस हो सकता है, पार्टी तो इधर उधर, कल अपने भी दिन आएंगे, आप चिंता मत करो, हम है ना, हम काय के लिए है, अरे हार जीत तो होता रहता है, रात के बाद दिन होता है, आज हमारा समय अच्छा नहीं था, कल आ सकता है, हम लोग ट्राई करते। फिर एक साल मेहनत किया, सैन्य बनाया, फिर लड़ने आया। इन दोनों ने वही फॉर्मूला अपनाया पिछले बार, 17 बार युद्ध हुआ, मथुरा के किले के आगे हुआ, जो आज जो लोह वन आप लोग जाते हो, जहां आलू ही आलू है आलू के खेत बड़े होते हैं ब्रजमंडल लोह वन जो 12 वनों में एक है, वहां पर बहुत लहू गिराया है इन दोनों ने, इन लोगों का। लेकिन काल यौवन को लेकर आया तो मुचकुंद को भी दर्शन देना था, एक आंख से दो पक्षी वाली बात थी, और कृष्ण रणछोड़ बने, जो डाकोर में हमारे है रणछोड़ राय जी, डाकोर मा कौन छे, राजा रणछोड़ छे। सब भगवान ये भी लीला करके दिखाए, मतलब भक्तों को सिखाए कि कभी भागो तो चिंता मत करना, एवं परंपरा प्राप्तम भाग सकते हो, बस हमारे भक्त कुछ भी करे भक्त है तो तुम रूठे हम छूटे, छूटे बस यही तो काम है हमारा। तो भगवान फिर प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, मथुरा में सब लोग लॉक थे, ये दोनों भाई बाहर आते थे लड़ने, अब दोनों भाग रहे, मुचकुंद का उद्धार करके एक पर्वत पर, और वो पीछे जा रहा है जरासंघ, 10,000 का सैन्य लिए हुए था, लेकिन दोनों 10,000 किलोमीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़े और वहां से सीधा समुद्र में जंप लगाए। और ये जरासंघ क्या सोचा कि पर्वत पे चढ़े ना दोनों, पर्वत में आग लगा दो ताकि जल के मर जाए, समाधि बन जाए इनकी। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये लोग जंपिंग करने वाले हैं, भाई गिनीज बुक में इसका नाम है सबसे बड़ा। और सीधा द्वारिका में घुसे, और वहां घुसते भागते भागते भगवान ने विश्वकर्मा को प्लान दिया, जगन्नाथ है भाई, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार चित्रपदो है ना, उसने कहा सोने की द्वारिका प्रकट करो पानी में, और विश्वकर्मा ने सोने की द्वारिका प्रकट, और ये लोग अंडर वाटर जाके सीधे अपने घर में निकले, और ये क्या समझा जरासंघ कि मर गए, वो बेचारा घर चला गया। और भगवान ने योग माया से आदेश देकर कहा कि जितने मथुरा में 56 करोड़ यादव सोए थे, कितने सब रात में सोए थे मथुरा, सुबह बिना टिकट रिजर्वेशन के द्वारिका सब, और जो मिट्टी मकरे के घर थे सबके सोने के, भैया बड़ा माल है, बोले सब राजा की कृपा है द्वारिकाधीश। तब सुखदेव जी को लगा कि चलो भाई इतना काम कर दिया, अब इसकी शादी करानी, जो सोने का घर बना सकता है वो दुल्हन को संभाल सकता है। तो इतना वर्णन करने के बाद 51 अध्याय तक, ये जो मैंने बोला ना, ये सही 50 दशम स्कंद का 50 अध्याय हो गया कि इस तरह भगवान सोने की द्वारिका में रहने लगे। फिर भगवान अपि गोविंद, भगवान ने भी सोचा कि इतना बड़ा घर है खाली खाली लग रहा है बिना तो चलो अपनी भी हो जाए तो फिर भगवान ने प्लान किया। तो भगवान को ऐसी जरूरत नहीं, अपि शब्द किंतु के अर्थ में है, हम कहते हैं अपि भगवान अपि, जो पूर्ण काम आत्मा राम है, जिनकी कोई इच्छा नहीं कोई अभाव नहीं, क्योंकि शादी व्यक्ति क्यों करता है, इच्छा होती है कुछ अभाव होता है, कुछ चाहिए सुख चाहिए, लेकिन भगवान तो पूर्ण सुख आत्मा राम है, वो क्यों करे शादी।
लेकिन भगवान का कुछ कारण था, क्या कारण था कल सुनेंगे। तो भगवान अपि गोविंद, वो गोविंद उपमेय, उपमेय मतलब मैरिज, विवाह किए रुक्मणी से, विवाह किए किस विधि से किए, बोले राक्षस विधि से। 8 प्रकार की विधि होती है कल सुनेंगे, एक विधि है राक्षस विधि। राक्षस मतलब पसंद आई उठाओ, राक्षस लोग कोई पूछते नहीं, पसंद आई मतलब वो पत्नी शादीशुदा है किसकी है वो कुछ भी देखना नहीं, हमको पसंद आई ना, जैसे रावण को सीता पसंद आई उठाई, इसको बोलते राक्षस विधि। तो भगवान ने भी उठाया, ससुर को भी नहीं बोला, साले को मारा, दुल्हन को उठाया दिलवाले ले गए। तो ये सब प्रश्न इसलिए परीक्षित पूछ रहे कि ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन ऐसा क्यों किया, क्यों भगाया, क्यों साले को मारा, क्यों विवाह किया, और इसको जरूरत क्या है विवाह की, ये तो पूर्ण काम है, और ये किसके भगाए, किसकी दुल्हन थी। तो सालवा आदि चैद्य वो शिशुपाल बेचारा बारात लेके पहुंच गया था, उधर से दुल्हन को उठाया बीच में से। तो ये कृष्ण का बड़ा ही मधुर लीला है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम पुण्य श्रवण कीर्तनम, और इस लीला को जो सुनेगा तब कथा अमृतम, जो विरही भक्तों को सुख देगा ये लीला। तो इसलिए सुखदेव जी लीला गा रहे हैं, इसी लीला का हम कल से थोड़ा श्लोकों के साथ श्रवण कीर्तन करेंगे। धन्यवाद, इतना धैर्य से बैठे, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें। महामंत्र से मैं आज के प्रसंग को विराम देता हूँ, सभी 2 मिनट बैठे रहिए अनाउंसमेंट तक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please like, subscribe and ring the bell to get the latest videos from MyPort TV.